Yo. यहाँ पे ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म, जब दो पार्टीज कंटेक्ट करती हैं, यानी ब्राह्मण होते उसके बाद कंटेक्ट बनते हैं, तो वो जब तक उसको परफॉर्म नहीं कर देते कंटेक्ट डिस्चार्ज नहीं होता। तो इसकी जो ओरिजिनल हेडिंग थी आपकी बुक में, मैंने कहा है बहुत दफा कुछ चीजें बड़ी अजीब सी हैं। यहाँ पे कंटेक्ट विच मस्ट बी परफॉर्म, तो सारे कंटेक्ट परफॉर्म करने होते हैं जब कंटेक्ट की बात की, अनलेस वो पर्सनली डिसेबल ना हो जाए। उसमें सबसे पहले आएगा टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस, यानी ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म, पार्टीज टू कंटेक्ट मस्ट ईदर परफॉर्म एक्चुअल परफॉर्मेंस और ऑफर टू परफॉर्म, दैट इज अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, इरिस्पेक्टिव प्रॉमिस, अनलेस सच परफॉर्मेंस इज डिस्पेंस विद और एक्सक्यूज्ड या एनी अदर लॉ। वो एक्सक्यूज कब होगा उस तरफ भी आ जाते हैं। नहीं बच्चों को क्या हुआ? बच्चे देखे बड़ी हैरानगी हो रही है, चले जी। टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस, इसमें दो टाइप्स मेनली जाती हैं, एक होती है एक्चुअल, वन इज एक्चुअल परफॉर्मेंस, सेकंड वन इज अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस मीन व्हेन द परफॉर्मर हैज मेड द परफॉर्मेंस इन अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट इज एक्सेप्टेड बाय द प्रॉमिसी, इट इज कॉल्ड एक्चुअल परफॉर्मेंस। मेरी बात भी थी उजैमा को 10 मन चीनी पहुंचाने की, कंटेक्ट हुआ था, मैं चीनी पहुंचा आया, उजैमा ने पैसे दे दिए, दैट इज कंटेक्ट इज डिस्चार्ज बाई एक्चुअल परफॉर्मेंस विदाउट। एक और बच्चे ने ज्वाइन कर लिया है, वेलकम बैक। लीना बेटा, ये मदिया बच्ची का नंबर अगर आपके पास है, उस बेचारी को पता नहीं ज्वाइन करने में क्यों प्रॉब्लम आती है।
मुसलसल ज्वाइन करने की कोशिश कर रही है, नहीं हो रही। ये बेटा वेलकम आवाज आ रही है, ये बेटा वेलकम आवाज आ रही है। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, ठीक है बेटा, ठीक है, थैंक यू जी बेटा। एक्चुअल परफॉर्मेंस हमने पढ़ लिया, इसमें इश्यू नहीं है किसी को। अब आइएगा अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, जिसको टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस भी कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत तवज्जो से स्पोर्ट से पढ़ने वाला है, मे बी ये नाजर भी हो जाए। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, एक तो ये क्या था, गुजामा से मेरा कॉन्टेक्ट हुआ और मैंने उनको चीनी पहुंचा दी, ठीक है, उन्होंने पैसे दे दिए, ये था एक्चुअल। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का मतलब ये होता है कि प्रमाइजर जो है वो परफॉर्मेंस देने गया, लेकिन प्रोमजी ने वो एक्सेप्ट नहीं की। क्यों नहीं की, वो कनाडा कहानी है या उसके डैमेज की तरफ जाएंगे। फिलहाल यानी प्रोमाइजर अटेम्प्ट करता है, मदिया की बात हुई थी अलीना की, कि वो उसके घर आए कोई भी काम करने या लिपस्टिक पहुंचा दे, अलीना आई लेकिन अब मदिया ने मना कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया। वो फिर आगे जाएंगे कि डैमेजेस कौन से आएंगे, लेकिन फिलहाल अलीना अपना परफॉर्मेंस जो है परफॉर्म करने आ गई प्रमाइजर, ठीक है, दैट इज अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। जैसे मैं आपके घर चीनी देने आया, आपने चीनी दे दी, पैसे दे दिए। एक यह है कि मैं अलीना के घर चीनी देने गया, उसमें आपका क्वेश्चन, आप दो चीजें यहाँ पे समझिएगा, उसने चीनी ले ली, पैसे नहीं दे रहे, वो एक अलहदा कहानी है, उसने चीनी एक्सेप्ट ही नहीं की। आज समझ आ रही, चीनी ले लेना और पैसे ना देना, वो आपका क्वेश्चन यू बनता कि एक पार्टी ने प्रॉमिस पूरा कर दिया दूसरा नहीं किया, वो तो यू हो जाएगा ना, चीनी अलीना ने ले ली और पैसे नहीं दिए। यहां पे हुआ कि एक्सेप्ट ही नहीं की, ली नहीं है, नहीं। अब अलीना बेटे यहां पे रुकिएगा, ऑफर से काम, ऑफर एक्सेप्ट नहीं की तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना। अब ये छोटी छोटी चीजें समझे, आप लोग सीए कर रहे हो, आप छोटी सी गलती करोगे आपका वो पूरा क्वेश्चन कट जाएगा। ऑफर एक्सेप्ट नहीं की का मतलब यह है कि मैंने अलीना को कहा था कि मैं 100 रुपए किलो आपको चीनी पहुंचाऊंगा, ठीक है, आपके घर पहुंचाऊंगा, तो अलीना ने कहा नहीं चाहिए, ये तो ऑफर एक्सेप्ट नहीं हुई ना। हम बात कॉन्ट्रैक्ट की कर रहे हैं बेटा, फर्क समझे। अलीना बेटा फर्क समझ आया या नहीं आया, ऑफर एक्सेप्ट ना करने में और परफॉर्मेंस एक्सेप्ट ना करने में बड़ा फर्क आता है बच्चा। देखें, मैंने मदिया को कहा कि ये लिपस्टिक में पूरा डब्बा 5,000 में बेचूंगा, उस मैंने ये ऑफर की है, उसने वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं की, ये तो ऑफर एक्सेप्ट नहीं हुई ना, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना। एक ये कि आपसे मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आपने कहा ठीक है, आपको मैं लिपस्टिक देने गया, परफॉर्म करने गया, आपने कहा नहीं मैंने अब नहीं लेनी। अब कॉन्ट्रैक्ट बनने के, ऑफर और परफॉर्मेंस में फर्क समझे, एक ऑफर है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, एक ऑफर है फॉर परफॉर्मेंस के लिए, दोनों में फर्क समझे।
ऑफ यस कंटेक्स से पहले है ना, हम तो परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। परफॉर्मेंस की बात तब आती है जब कंटेक्ट हो जाए। यस यस यस, अब जो लिखा है आपने वो सही है। एग्जाम्पल आज हम कंटेक्टेड टू डेयर कंटेक्ट हो चुका है, हम अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, दैट इज के कंटेक्ट हो चुका, अब आप परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। डिस्कनेक्ट हो गया। इसको स्कूल से पढ़ने का है, केस स्टडी भी आती है, इसके असेंशियल है 5-6 वो भी आते हैं, इसमें एक ट्विस्ट है वो भी आता है। इसको बेशक एग्जांपल के साथ डिटेल से सारी चीजें पढ़ेंगे। व्हेन द प्रोवाइडर हैज मेड एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, याद रखिएगा ऑफर एक तो वैसे तो यहाँ पे ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस है, बट द ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रोवाइडर इज नॉट एक्सेप्टेड बाई द प्रोमिसी, it is called attempted performance. Attempted performance is also known as tender ya offer of performance. Tender ka word zehn pe rakhiyega. MCQs kabhi kabhi yun bhi aata hai that attempted performance is also called, teen char option diye hote hain to tender of performance bhi kehlata hai. Is it okay? इसमें यहाँ पे ये एग्जांपल लिखने के फिर आगे चलते हैं। बच्चे को ज्वाइन करें, इनको प्रॉब्लम हो रही है, मैसेज करें, एक मिनट रुकिएगा। Azam projected to deliver to Baba at his warehouse on 1st November 500 bale of cotton of particular quantity. Azam bought the cotton of requisite quantity to the brand. Brought the quantity of requisite quantity to appointed place on the appointed day during the business hours, and the Baba refused to take the delivery of goods. It is a case of attempted performance because Azam has done what he has required to do. अंडर दी कंटेक्ट, वो क्वांटिटी रिक्वायर जो थी वो ले गया, उसने एक्सेप्ट नहीं की। अच्छा एक चीज यहाँ पे पहला तो यहीं पे एक ट्विस्ट पिक करें। यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि इसने कब लेना था, वेयर हाउस पे 1st नवंबर को। अगर वो 10 दिन पहले लेके आ जाता है तो फिर वो अगर एक्सेप्ट नहीं करता तो ये याद रखेगा अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस में नहीं जाएगा। एक ट्विस्ट समझिएगा, बहुत जिसको पढ़े, अगर वो परफॉर्मेंस 1 नवंबर के बजाय 20 है अक्टूबर को ले आता है, 10 दिन पहले ले आता है, और वो या 5 दिन पहले ले आता है, उसके पास जगह नहीं है, जो एक्सेप्ट नहीं करता, ये अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस में नहीं जाएगा। रिक्वायर्ड डेट पे रिक्वायर्ड क्वांटिटी
लेके गया कंसेप्टेड डेट में रिक्वायर्ड क्वांटिटी के लिए लेके गया है और वो एक्सेप्ट नहीं करता, तो फिर ये सुपरवाइजर की तरफ से अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस समझेगा। ये पहला कंसेप्ट क्लियर है? यस सर। अलीना बच्ची से पूछो क्या प्रॉब्लम हुआ, दो बार कोशिश की नहीं हो सकती सर। लेकिन फिर इसको क्या कहेंगे अगर 10 दिन पहले वो ले आएगा और वो रिजेक्ट कर देगा? परफॉर्मेंस का टाइम से पहले नहीं है ना, वो तो आपके इम्प्रॉपर परफॉर्मेंस है ना। ओके सर। बेटा अलीना ये इस बच्ची का नंबर लिखो और उसको कोई उसका मसला हल करो, उसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। बेटा बाकी बच्चे ने ज्वाइन किया हुआ है आपका, देखें यहाँ पे आप ब्लैंक शो कर रही है, क्लास चल रही है बेटा। अलीना नंबर है आपके पास मिल गया था? क्वेश्चन किया, अगर बाद में लेट हो तो भी नहीं हो? नहीं जी, फिर उसकी मर्जी अटेम्प्ट करे या ना करे। अलीना बेटा कैसे इस बच्ची का मसला, वो पिक भेजी है कि ये ब्लैंक शो आ रही है? अलीना ये नजर आ रहा है वो ब्लैंक कह रही है, ब्लैंक नजर आ रहा मतलब नहीं हो रहा। अलीना बेटे नंबर लिखना 0318 037 4282। बेटा आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे? अच्छा नेटवर्क इशू। अच्छा अच्छा चले देख लें, जब साल हो गया तो रिकॉर्डिंग दे लीजिएगा, कोशिश करें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है बेटा ठीक। ये अलीना वो कह रहे हैं नेटवर्क इशू है। अच्छा अलीशा आपको क्वेश्चन आया कि अगर वो बाद में आया तो बाद में अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस तो नहीं ना, आपने ब्रीच कर दिया ना, आप उसकी मर्जी है वो एक्सेप्ट करे या ना करे, आप उसकी मर्जी पे आ जाएगा। क्लियर है बेटा? अब आइएगा यहां पे असेंशियल्स। असेंशियल ये आपके फाइव है, एक दो और शामिल कर लेंगे। असेंशियल्स को भी आपने अच्छा, वैसे तो मैं इससे समझा दूंगा कि आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन असेंशियल्स में भी आपको यह है थोड़ा सा कंसेप्ट ब्राइटर करना होगा। इट मस्ट बी अनकंडीशनल, यानी जब आप ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस या अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस करते हैं वो कब वैलिड होगा? इफ इट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन। आपको घुमा के पूछा जा सकता है कि आप क्या परफॉर्म करना चाहते हैं, तो कौन से असेंशियल एलिमेंट है जो आपको परफॉर्म करने हैं। बच्चे तो और डिस्कनेक्ट हो गए। अच्छा इट मस्ट बी अनकंडीशनल विदाउट
जब भी आप कंटेक्ट हो गया था उसके बाद आप कोई कंडीशन नहीं रखेंगे कि भाई आप मेरी बात हुई थी लिपस्टिक की या चीनी पहुंचाने की, अब मैं कहता हूं कि मुझे कन्विंस दो या मेरे लिए ये काम करो तब मैं पहुंचाऊंगा, अब कोई कंडीशन नहीं रखेंगे। इट मस्ट बी मेड एट प्रॉपर टाइम। प्रॉपर टाइम का मतलब यह है, ये भी केस स्टडी आती है कि आप, मैंने सामान लेकर जाना था फर्ज किया किसी के गोदाम में, वर्किंग प्रॉपर टाइम में दो चीजें लीजिएगा, अगर वो घर से रिलेटेड है तो घर के हिसाब से, और फैक्ट्री से रिलेटेड है या इंडस्ट्री इंडस्ट्री है या कंपनी जो मोस्टली 9 to 6 होती है। केस स्टडी आती है कि बंदा सामान लेकर आया जिस दिन ड्यू डेट पे उसे लेकर आया, लेकिन वो 6:30 बजे पहुंचा, फैक्ट्री 6 बजे क्लोज हो गई, बंदे ने देख लिया कि सामान ला रहा है और वो लॉक लगा के चला गया। अब वो जो सामान लाया बड़े गुस्से में है कि मैं इसको सारे जाए जाए ना, इसने देख भी लिया था, मैं ट्रक भी होल्ड करूंगा, मजदूर भी, तो मैं इसको सुबह सजा दूंगा, सुबह मैं केस करूंगा, सारे पैसे से दूंगा। क्या वो केस कर सकता है या उसे पैसे ले सकता है? क्योंकि टाइम के बाद अगर वो एक्सेप्ट करता है किसी कंडीशन के साथ, लेट हो गया कंडीशन के साथ कितना जुर्माना देना पड़ेगा, या वैसे माफ कर दे फिर उसकी मर्जी है। विदाउट शाबाश, स्क्रीन नहीं शेयर हो रही, सेटिंग के लिए मुझे कह रहे हैं या जो बच्चे ने पूछा था स्क्रीन शेयर नहीं रहे उसको कह रहे हैं? ओके 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 जी, लास्ट हमने रिपीट किया था कि इट मस्ट बी मेड एट प्रॉपर टाइम। ठीक है, प्रॉपर टाइम का दो बातें हैं, अगर वो घर से रिलेटेड है तो वो रीजनेबल टाइम होना, अगर तो टाइम मेंशन है तो फिर उस टाइम के हिसाब से मेंशन टाइम देना चाहिए, नहीं तो रीजनेबल टाइम, जैसे घर का है तो मीन्स शाम 6-7-8 ये रात को 1 बजे दरवाजा आप नाप कर रहे हैं, या अगर फैक्ट्री से रिलेटेड है तो वो 9 to 6 टाइम होता है, 6:30 के बाद अगर आप आए हैं तो उसकी मर्जी है वो उसको एक्सेप्ट करे या ना करे। और अगर 6:30 के बाद आए हैं, उसने आपको देख भी लिया है फिर भी जो है लॉक लगा दिया है चला गया है, तो आप गुस्से में होकर उसने देख लिया और मैं जो है मैं सामान लाया और मैं इसको सुबह स्विम करूंगा, नुकसान उससे क्लेम करूंगा, तो वो आप नहीं कर सकते।
चले बेटा, परेशान ना हो, जितना हो सकता है ज्वाइन करें, नहीं तो रिकॉर्डिंग दे दीजिएगा, कोई आपके नेट का प्रॉब्लम है। पर अभी समझ आ रही है जो बोल रहा हूँ? ये बेटा आवाज आ रही है, समझ आ रही है? मैं पीछे चलूं? जाना बेटा, चलूं आगे? ये सोचा नहीं। ये जो लिखा हुआ है, अगर हम 2 मिनट के लिए इसको इग्नोर करते थे, ये 2 मिनट के लिए आप समझे इसको इग्नोर कर दिया, आप ये समझे कि मैंने सामान लेकर जाना था, सोफा सेट कुछ सामान मंगाया था अलीना बेटी ने, ठीक है, 10 तारीख को, तो पहला क्या रूल होगा? 10 तारीख को मैंने सामान लेकर जाना था, सबसे पहला क्या होना चाहिए कि मुझे 10 तारीख को टाइम पे जाना चाहिए। एक बात, आपको कंडीशन नहीं रखनी, क्या कंडीशन रखनी चाहिए कि मुझे आपको आप गाड़ी दो, मेरे पास गाड़ी नहीं है, या मुझे एडवांस पैसे पहुंचाओ तो फिर मैं पहुंचाऊंगा? ओके, तीसरा ये है कि जो परफॉर्मेंस दे रहा है वो क्या पागल, किसी पागल को भेज दूं या बच्चे को भेज दूं रस्ते में सामान आकर तोड़ के ले जाए? नहीं, पर्सन होना चाहिए जो प्रॉपर कॉम्पिटेंट टू परफॉर्म हो। अच्छा, फिर क्या मुझे उसको मौका देना चाहिए कि वो चीज चेक कर सके कि सारी चीजें सही हैं या नहीं? फिर जो प्लेस उसने बताई है, एक टाइम और एक प्लेस, जो प्लेस उसने बताई है, घर से रिलेटेड है तो घर लेके जाऊंगा, अगर फैक्ट्री से रिलेटेड है तो फैक्ट्री में लेके जाऊंगा, और अगर उन्होंने कहा था हमारे वेयर हाउस में लाना फिर वेयर हाउस में लेके जाऊंगा। तो ये जर्नल अपने आप को प्रोमाइजर या प्रोमिजर बनाओ, बल्कि प्रोमाइजर बनाओ, ठीक है? तो ये सारी चीजें उस पर खुद खुद अप्लाई होंगी, रट्टे के बजाय अपने आप को कि मैंने सामान भेजा, अब मैं कोई कंडीशन नहीं रखूंगा, ठीक है, प्रॉपर टाइम होना चाहिए, प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए, तो पर्सन जो है वो कॉम्पिटेंट है या नहीं, और क्या वो सारा परफॉर्म कर रहा है। अब ये 2 चीजें समझिएगा, अगर तो परफॉर्मेंस पेज वगैरह की है तो वो चेक कर सके कि वो सारा सही रीजनेबल वो पूरा जो है काम कर रहा है या नहीं, या गुड्स हैं पहुंचाने हैं तो उसको मैं अपॉर्चुनिटी दूंगा कि वो सारे गुड्स चेक कर सके, ठीक है, कि कोई टूटा हुआ तो नहीं है, कोई खराब तो नहीं है। यहां तक क्लियर बेटा? एक चीज यहां पे और भी याद रखिएगा कि जो परफॉर्मेंस है वो होल ऑब्लिगेशन की होनी चाहिए। यहां पे जो लिखा है इसने, यहां पे बहुत मिक्सचर बना दिया है, जो परफॉर्मेंस है वो होल ऑब्लिगेशन की होनी चाहिए। मसलन अगर चीनी है 10 किलो तो 10 किलो ही लेके जाऊं, ये नहीं कि 5 किलो अभी लेके जा रहा हूं 5 किलो बाद में, या उसका मेथड ऐसा होना चाहिए कि आप रिक्शे में बैठे हैं, 5 रुपए देने हैं, उसको 5,000 का चेक दे रहे हो, यह भी प्रॉपर टेंडर नहीं होगी, टेंडर परफॉर्मेंस नहीं होगा, या किसी को जो है 5 रुपए देने हैं, उसको चेक देते हो 5,000, 5,000 का नोट दे देते हो, यह भी प्रॉपर उसमें नहीं आते। प्लस एक चीज और याद रखिएगा, मैंने गुजारना के पैसे देने थे, किसी शादी हाल पे मिले, वहां पे दोनों किसी शादी के तकरीब में गए, वहां मैं इसको दे रहा हूं, ये प्रॉपर प्लेस नहीं है, इसी किस्म की केस स्टडी आती है, यानी किसी मस्जिद में या शादी हाल में मेरे वहां से मैं पैसे दे रहा हूं, ये प्रॉपर प्लेस कंसिडर नहीं होगी।
अब ये कंडीशन जी इसको दोबारा जितनी दफा मर्जी है आप सुकून से, मुझे वैसे इस बच्ची पे बहुत अफसोस है, बार बार डिस्कनेक्ट बार। अच्छा आपको समझ आ रही है? मैं रिपीट कर रहा हूं कि यहाँ पे आप अपने आप को प्रोवाइजर बनाएंगे और ये कंडीशन रखेंगे कि जब कंटेक्ट परफॉर्म करने आप नहीं बोलेंगे कि भाई मैं क्या पाऊंगा, मेरे लिए नाश्ता बना के रखो, या ये कंडीशन इसने रखी है कि मैं पैसे जो अमाउंट ड्यू है मैं देता हूँ अगर कंपनी मुझे शेयर दे तो। ये वैलिड परफॉर्मेंस नहीं है, उसने कंपनी से लोन लिया था पैसे देने थे, ठीक है, वो कहता है मैं ड्यू अमाउंट देता हूँ अगर मुझे 500 शेयर दे, ये एक कंडीशन है, ये वैलिड टेंडर नहीं है। कोई डाउट? कोई बेटा बेटी जिसको समझ ना आ रही हो, शाबाश, ओके। इसको पढ़ने के बाद अपने तौर पे इसको कंसेप्चुअली रिवाइज करेंगे, आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, खुद प्रोमाइजर बनना है, उसको लेनी है कि कोई कंडीशन नहीं रखेंगे, प्रॉपर टाइम होना चाहिए, प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए, रीजनेबल प्लेस ये नहीं है कि मस्जिद में आपको मिलते हैं, उसका परफॉर्मर जो है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं पागल या माइनर हो, और जो है आप उसको प्रॉपर मौका देंगे कि वो चेक कर सके कि ये सही चीज़ है या नहीं। ये एग्जाम्पल जो है ये आपकी अच्छी वाली है, एग्जाम्पल जो क्या नीरा ने कहा था हम खुद पढ़ के पूछेंगे, इसलिए मैं इसको ज्यादा रिवाइज नहीं करता, ठीक है। ये यहां तक ये पहली पांच कंडीशन क्लियर है, छठी पे आइएगा। छठी कंडीशन है कि एन ऑफर टू वन ऑफ सेवरल जॉइंट प्रॉमिसरी हैज सेम लीगल कॉन्सिक्वेंसेस एज एन ऑफर टू ऑल ऑफ देम। यहाँ पे टिपिकल लिखा हुआ है कि अगर आपने तीन चार बंदों को पैसे देने हैं तो एक को दिए कि ये भाई मैं आपको पहुंचा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये आपकी वैलिड टेंडर कहलाएगा। अशरफ ओज आर एस 15,000 टू रिजवान एंड तनवीर जैकी, ही ऑफर टू पे द अमाउंट टू तनवीर एंड ऑन अ प्रॉपर टाइम एंड प्लेस हु रिफ्यूज टू रिसीव इट, इट शुड बी कंसिडर्ड वैलिड टेंडर। या जिस तरह होता है ना आप किसी गलती से शादी में जाए तो एक को आवाज लगाता है तो सारे टूट पड़ते हैं, इसी तरह मैंने आपको स्टूडेंट को कहा, एक को कहा तो सबको कहा। जब जॉइंट प्रॉमिस होता है, ठीक है, या यह है अलीना बेटी की बात हुई थी, ये जितनी गाल है इनका नाश्ता बना कर आएगी, एक को कहा कि नाश्ता आ गया है तो सबको कहा। जब जॉइंट प्रॉमिस होता है तो एक को कहना सबको कहना, कोई डाउट? आइएगा ये छह बातें तो हो गए, ठीक है, एक चीज जो यहां पे नहीं लिखी हुई है वो केस स्टडी भी आती है। ये पहले तो छह कंडीशन पढ़े जिसने पूछे, छठी जॉइंट प्रॉमिस वाली है, एक चीज आपकी नहीं लिखी हुई और वो बड़ी जबरदस्त केस स्टडी आती है वो मैं बता रहा हूं। पहले ये पढ़े, शाबाश, पूछे। पॉइंट नंबर फोर इसने थोड़ा सा घुमा कर दिया है, और लास्ट वाला अच्छा ठीक है, दोनों बता दो, दो दो बता दो। पॉइंट नंबर फोर का एलिमेंट यह है, या देखिए, इट मस्ट बी मेड अंडर सच सर्कमस्टेंसेस दैट द पर्सन टू होम इट इज मेड मे हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी
of ascertaining that the person by whom it is made is able and willing there. यानी जो बंदा ला रहा है वो इस काबिल है. मैंने कहा था यार मैंने बहुत लेंथी कर दिया है कि जो परफॉर्म कर रहा है परफॉर्मेंस इसका सिंपल था. परफॉर्मेंस मस्ट बी अ कॉम्पिटेंट पार्टी. ये नहीं कि वो माइनर हो या पागल हो. किसी को मैं क्या अलीशा बेटी ने कहा कि जाओ ये लिपस्टिक दे और डब्बा अलीना को. वो बच्ची थी रहते में याद ही छोड़ गई. तो वो देखना है तो वो मेन वो देख उसका हक है देखे कि ये परफॉर्म करने वाला एबल है या नहीं. या अब डिपेंड्स कि वो कंटेक्ट क्या था और वो विलन भी है या नहीं. किसी ने इसको जबरदस्ती किया थ्रेट या उस हवाले से तो नहीं इसको इन्फोर्स किया. और जो वो परफॉर्मेंस दार है वो पूरी की पूरी परफॉर्म करेगा ठीक है या पार्ट. तो यहाँ पे इसने बहुत सारी चीजें कंबाइन कर दी है. इसका सिंपल वर्ड में अगर आप लें तो वो कि ही मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू परफॉर्म एबल एंड विलिंग कॉम्पिटेंट टू परफॉर्म एंड दो पार्ट कर लो. ही मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू परफॉर्म एंड that must be of whole obligation. The performance must be of whole obligation. Last वाला ये था बेटा कि जब आपका आपका एक से ज्यादा प्रॉमिसी है several joint प्रॉमिसी है तो एक प्रॉमिसी को उसने कहा तो means as legal consequences जैसे सबको कहा. अच्छा अब आइएगा जहां पे आपका दो चीजें आएंगी. इसमें एक आपका टेंडर ऑफ मनी. टेंडर ऑफ मनी में अब थोड़ा सा फर्क समझिएगा. जब आप फर्ज कर लें मैंने खुजैमा बेटे ने मुझे मेरी बाटा शू कंपनी है खुजैमा ने मुझे खाल पहुंचाई खाले पूरा ट्रक पहुंचाया टाइम पे आपका सब कुछ हो गया डिलीवर हो गया. अब मैं इनको पैसे देने जाता हूं. ये कहते हैं कि ये पैसे यानी मैं प्रमाइजर यहां पे मैंने पैसे देने थे या मैंने पैसे खुजैमा से लोन लिए थे या कोई भी समय ने बात खाने पहुंचाए थे या लोन लिए थे. टेंडर ऑफ मनी एक यहां पे कहीं अपनी बुक में लिख लें उसकी केस स्टडी भी आती है. यहां नहीं लिखा हुआ लेकिन मुझे पता उसका टेंडर ऑफ मनी का याद रखिएगा. एक तो मैंने आपको हल्का सा कंसेप्ट दिया था कि ये टेंडर प्रॉपर नहीं है कि 5 रुपए देने हैं और उसको 5,000 का नोट दे रहे हो जैसे रिक्शे या चिंची में या उसको 5 रुपए देने हैं तो उसको 5,000 का चेक दे रहे हो ये वैलिड टेंडर नहीं होगा. एक दूसरा वापस आओ जो मैंने कहा कि खुजैमा को मैं पैसे देने गया फर्ज किया वो ये बड़ी अमाउंट की बात होती है छोटी अमाउंट नहीं खाले आई थी 10 लाख मैंने देना था. ये कहते नहीं मेरा तो 12 लाख बनता है. तो याद रखिएगा बाकी जितनी भी टेंडर होगी परफॉर्मेंस में वो परफॉर्मर जो है प्रोमाइजर उसकी जान छूट जाएगी उसको कोई स्यू नहीं कर सकता. लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूं लेकिन टेंडर ऑफ मनी में परफॉर्मेंस डिस्चार्ज नहीं होगी. इस जुमले को गौर से सुनिएगा. बाकी आप किसी के साथ चीनी पहुंचाने गए पेंट करने गए मेकअप करने गए कोई और चीज लेने गए वो अगली पार्टी ने जो है रिफ्यूज कर दिया तो परमाइजर के परफॉर्मेंस खत्म हो जाएगी उसको दोबारा परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा और ना अगली पार्टी शुरू कर सकती है. लेकिन टेंडर ऑफ मनी की सूरत में टेंडर ऑफ मनी की सूरत में आप पैसे लेके जाते हो अगली पार्टी एक्सेप्ट नहीं करती तो परफॉर्मेंस से आपकी जान नहीं छूटेगी. डजंट मीन कि आपकी परफॉर्मेंस डिस्चार्ज हो गई. अब इश्यू ये होगा कि खुजामा कहता है मेरा 11 लाख बनता है मैं कहता हूँ 10 लाख है वो पैसे नहीं ले रहा तो अब ये डजंट मीन कि मेरी परफॉर्मेंस खत्म हो गई. हाँ जो यहां मुझे करना चाहिए वो ये कि वो पैसे मैं कोर्ट में जमा करवा दूं या कोर्ट को इन्फॉर्म कर दूं कि मैंने ये जब बड़ी अमाउंट होती है ये कंपनी का इश्यू होता है कि मैं पैसे लेके गया वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा या उनके पास जमा कर दें कि ये डिस्प्यूटेड अमाउंट है. तो याद रखिएगा अब वो 10 लाख था या 10 करोड़ था खुजैमा ने एक्सेप्ट नहीं किया इसने केस कर दिया 6 महीने लगे 7 महीने लगे. अब अगर खुजैमा केस जीत भी जाता है तो जो अमाउंट उस पे इंटरेस्ट था वो मुझे पे नहीं करना होगा
अगर खुजामा ने वो 10 लाख या 10 करोड़ एक्सेप्ट नहीं किया, मैं घर वापस आ गया, बाद में उसने केस किया, जीत गया, तो उसके साथ उस अमाउंट का वो इंटरेस्ट भी क्लेम कर सकता है। जो चीज समझाना चाह रहा हूँ, अल्लाह करे आपको समझ आ गई हो, नहीं तो दोबारा पूछिएगा। ये चीज टेंडर ऑफ मनी में आपका बहुत केस स्टडी आती है। दो चीजें आती हैं, पहले जो मैंने पढ़ाया समझाया वो समझें, रिवाइज करें, फिर पूछें। भाई इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं ना, 10 करोड़ था या 10 लाख था, तो मैंने परफॉर्म केस चलता रहा, उसने पैसे एक्सेप्ट नहीं किए, केस चलता रहा, अब उसके बाद वो कह सकता है ना कितने महीने बाद मुझे पैसे मिल रहे हैं, इसका इंटरेस्ट भी दिया। और करते हैं लोग, बड़ी अमाउंट जब होती है करोड़ों की, वो लोग इंटरेस्ट भी क्लेम कर देते हैं। लेकिन अगर मैंने कोर्ट को इन्फॉर्म कर दिया कि मैं पैसे लेके गया था, ली डिस्प्यूट नहीं ले रहा, उन पैसों पर जो कोर्ट के पास रखवा दिए, उन पैसों पर मुझे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। पहले कोर्ट के पास पैसा रखवा दिए तो नहीं देना पड़ेगा, या फिर अगर कोर्ट के पास नहीं भी रखवा तो देना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, रखवा दिया ये इन्फॉर्म मीन कोर्ट के नॉलेज में आ जाए। ओके, तो ये जिनके बड़ी अमाउंट का कंट्रैक्ट होते हैं। अच्छा, बच्चे ने पूछा अगर कोर्ट के पास रखवा दिए जी हाँ नहीं देने पड़ेगा। यस, अच्छा थोड़ा सा और बता दें, ये जो कंपनीज के अपने लायर होते हैं ना, वो यू भी कर देते हैं कि हम ये आज परफॉर्मेंस देने गए, कोई एविडेंस दे देते हैं कि आज डेट पे हम गए और उन्होंने पैसे एक्सेप्ट नहीं किया। कोर्ट अगर इसको एक पास नहीं भी अपने पास रखना चाहती तो फिर भी वो लीवरेज मिल जाएगी कि आपने कहा ये कोर्ट मर्जी अपने पास पैसे रख लीजिए, उसको दे दे हमारी तरफ से, तो वो कोर्ट फिर ऐसी सूरत में आपकी तरफ जान छूट जाती है इंटरेस्ट से। मुझे चीज समझाना चाह रहा हूं, ये समझे हैं बेटा? अलीशा बेटा, मैंने पूछा है इस एग्जाम्पल के कोई क्वेश्चन? देखिए बेटा, सिंपल सा है कि आप ये समझें, ये सीमेंट फैक्ट्री कर लो, ये सीमेंट फैक्ट्री किसी ने सरिया मंगवाया दूसरी फैक्ट्री ने, ठीक है, बस कर ले, वो सरिया जो है 20 लाख का है। अच्छा, अब पैसे देने थे, उनका मैनेजर जाता है दूसरी कंपनी में पैसे देने, वो कहते हैं नहीं जी आपने पैसे कम दिए, सरिया ज्यादा था, या कोई डाउट या कोई ऐसा जहां पे डिस्प्यूट हो जाए, तो वो कंपनी जब पैसे अब 20 लाख या 10 करोड़ हो, तो वो क्या करेंगे? अपने पास आके रख लिए, वो दूसरी पार्टी जाए। अब याद रखेगा कि अगर वो सरिया पहुंचाने आते वो ना लेते तो फिर तो परफॉर्मेंस भी शायद हो गई थी। लेकिन मैंने कहा है कि पैसों की जब परफॉर्मेंस है वो अपनी पार्टी एक्सेप्ट नहीं करती तो आपकी परफॉर्मेंस डिस्चार्ज नहीं होगी। ये बाहर जगह पे परफॉर्मेंस आपकी डिस्चार्ज नहीं होगी, आपको बाद में परफॉर्म करना होगा। और डिस्प्यूटेड की सूरत में मतलब बेचारी कह रही है, सारे स्टूडेंट शुरू से ज्वाइन किए हैं, इस बेचारी को प्रॉब्लम है। वेलकम मतिया बेटा अगेन।
बेटा ये कंसेप्ट क्लियर है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। सर वो आपने बोला कि सरिया देने गई है और वो सरिया देने गई है, पैसे उसके वो नहीं दे रहा जो वो मांग रहा है और वो सरिया वापस किया है। एक चीज, मैंने आपसे लोन लिया था, फर्ज का लोन लिया था 20 लाख, सर ये कुछ और। एक चीज समझे, गुड्स या वो चीज, जैसे यहाँ पे मदिया बेटी ने कहा था किसी को कि बिरयानी की देख लाइएगा शाम को 6 बजे, वो ले आए। अब मदिया बेटा उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, उनके घर में कोई, अब वो बाद में देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम हुई है, उनके घर में कोई प्रॉब्लम हो गया, हो सकता है उसकी दादी बीमार हो गई, हो सकता है उसका भाई गुम हो गया, कोई मसला है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। डायरेक्ट रिफ्यूज किया तो फिर तो डैमेज देने पड़ेंगे, ठीक है, वो फिर उसके डैमेज में वो चीज देखी जाती है। तो ये जो बिरयानी लाया था उसको दोबारा लाने की जरूरत नहीं है, उसकी अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस हो गई। ये कंसेप्ट क्लियर है? ये कंसेप्ट क्लियर है? ओके, अब इसी के लिए कि आपने जो है अब इसी को आपको देने कि आपने बॉयज कौन है, वो बॉयज आज वो सारे वो अली गोर और वो सारे वो कोई भी नहीं आए, उजामा वो ग्रुप में जो थे, एक अली गोर था, एक जो है फैजान शरीफ था, यहाँ पे अगर ये बिरयानी पे एक चीज आपको थोड़ी सी और ऐड कर दूं तो समझ आ जाएगी, मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। उसकी तरफ से ये परफॉर्मेंस पूरी हो गई। हुआ ये कि इनका कोई प्रॉब्लम था, इन्होंने वो बिरयानी नहीं ली, अली गोर बिरयानी लाए, याद रखिएगा कि वो इन्होंने एक्सेप्ट नहीं की तो वो वहां छोड़ के नहीं जाएगा, याद रखना। अगर वो बिरयानी वहां छोड़ के चला गया और वो बिरयानी खराब हो गई तो वो कहता कि मेरे तो पैसे दो तो उसको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, ये याद रखना। उसको वो बिरयानी वापस ले जाना होगी, बाजार में बेचना होगी, जितना नुकसान हुआ या आने जाने का वो क्लेम करेगा। ये भी एक रूल है जो आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, ये क्लियर है? इसको मिटिगेशन ऑफ डैमेजेस कहते हैं। जब डैमेजेस में जाएंगे वहां आपको अच्छा समझ आएगा कि जब कोई परफॉर्मेंस ऐसा गुड्स हो, कोई पार्टी की ऐसा मजबूरी सिलसिला है तो आप वही छोड़ के नहीं आएंगे, वरना हो सकता है कोर्ट आपको उल्टे इंसल्ट कर दे। उस सूरत में आप वो चीज वापस ले जाएंगे, बाजार में बेचेंगे, जितनी कम कीमत में बिकी वो क्लेम करेंगे, सारी बिरयानी के पैसे से क्लेम नहीं करेंगे। वो सिचुएशन देखी जाती है, अब कोई बंदा टेंशन में है, ये क्लियर है? अली गोर अब जागे हैं जी, वैलिड है बेटा जी, वैलिड है। वेलकम बेटा, इतने लेट क्यों आए?
अच्छा ये सारा कंप्लीट हो गया, इसमें जो ऊपर वाली चीजें थी, अब आएगा इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। दो चीजें, ये वो चीज है जो मैं बार बार रिपीट कर रहा था, where the promoter has made a valid offer of performance to the promisee and the offer has not been accepted, the promoter is not responsible for non-performance. अब आप उस पे केस नहीं कर सकते कि भाई उसने परफॉर्म नहीं किया, nor does thereby lose his right of compensation and rescission under the contract. यानी उसके पास ये राइट भी है, यानी उसको आप जो नॉन परफॉर्मेंस के लिए सू भी नहीं कर सकते, और ना ही उस राइट से मालूम हो सकता है कि वो कंपनसेशन जो नुकसान हुआ और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का राइट भी उसके पास है। ये एग्जांपल देखिएगा, नहीं प्रॉपर्ली टेंडर गुड्स टू आसम इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बट आसम रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द गुड्स, नहीं डज नॉट हैव टू डिलीवर गुड लेटर, यानी इसको दोबारा वो डिलीवर करने की जरूरत नहीं है, एंड कैन सी यू आसम फॉर डैमेजेस कॉज्ड बाय नॉन परफॉर्म नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स। कोई डाउट यहां तक? एक और आवाज आ रही है बेटा, बहुत लेट ज्वाइन करते हो। सर उसने अगर दोबारा डिलीवर करा उसने एक्सेप्ट लिया तो क्या हो? जी ये आगे चल के ना किन सूटों में, ये आगे एक सिंगर के केस स्टडी हुई है। देखिए बार दफा ये होता है कुछ बंदे की मजबूरी है। अच्छा जैसे आप मकान बना रहे हैं, वो सीमेंट लाना था, एक दिन लेट हो गया, अब आपकी मजबूरी है वो मकान, आपको हो सकता है कि उसको गुस्सा वगैरह करके तो उसको बना एक्सेप्ट कर दें या आपको कोई फाइन कर दें, और अगर वो जो है वो ले गया आपने रिफ्यूज कर दिया फिर तो आप उसको कुछ नहीं कह सकते, आपने रिफ्यूज किया ना। ओके सर, छोटी छोटी चीजें साथ साथ मिलती रहती है। सर जस्ट मनी के केस में यस यस ये चीज आपने बिल्कुल, ये ऐसे इसको जेन पे रखना है कि जब भी कोई क्वेश्चन पूछू तो फौरन, यानी आपसे यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परफॉर्मेंस अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस में परफॉर्मेंस जो है प्रमाइजर की डिस्चार्ज हो जाती है, कौन सी कंडीशन है जहां पर वो डिस्चार्ज नहीं होती। टेंडर ऑफ मनी में परफॉर्मेंस डिस्चार्ज नहीं, जी अब इसको स्कूल। अच्छा इसमें दो चीजें और भी याद रखिएगा, ये यहां पे ना ऑब्लिगेशंस ऑब्लिगेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोमाइजर, यहां पे दो चीजें समझेगा। अगर मैंने मतिया के घर जो है चीनी लेके जाने की, खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो जाता है, तो वो चीनी जो है वो मेरा एजेंट या मेरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी लेके जा सकता है या पैसे पहुंचाने थे, वो यहां पे जो चीज है इसकी डेप्थ समझेगा। वो सिचुएशन कि जब जो है पर्सनल स्किल इन्वॉल्व ना हो तो डेथ की सूरत में लीगल रैप पूरा कर सकता है, लेकिन अगर पर्सनल स्किल इन्वॉल्व हो तो डेथ की सूरत में फिर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा। मैंने मतिया बेटी को ट्यूशन पढ़ाने जाना था, मुझे कुछ हो गया तो मेरा लीगल रैप वो ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता वहां की, ये वाइड हो जाएगा। लेकिन अगर मदिया के पैसे देने थे या चीनी पहुंचानी थी तो फिर मेरा लीगल ऐप वो परफॉर्म करेगा, वो स्यू कर सकती है। यह देखिएगा ऑब्लिगेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रोमाइजर, रिप्रेजेंटेटिव आपके जो लीगल ऐप होता है, जी प्रॉमिस बाइंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रोमाइजर इन केस ऑफ डेथ ऑफ सच प्रोमाइजर बिफोर परफॉर्मेंस अनलेस अ कंट्रेरी इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट such as contact is of personal nature, वही मेरी बात जो मैंने एग्जाम्पल दिया है पैसे देने की या चीनी की, और यहाँ पे उन्होंने जो है पेंट पिक्चर पेंट करने की है, अब पिक्चर पेंट करना भी स्किल में आता है,
बढ़ाना है, पिक्चर पेंट करनी है, यानी अगर वो किसी ने जाकर पिक्चर पेंट करके देनी थी, वो डेथ हो जाती है उसकी, उसका लीगल रेट में भी उसका इस तरह का एक्सपायर्ड ना हो, ये दोनों चीजें समझिएगा। पूछे शाबाश। कंट्रेरी दो बातें, कंट्रेरी ये होता है कि अगर कॉन्टैक्ट में लिखा भाई चीनी पहुंचाने में आऊंगा, अगर मुझे कुछ होगा तो कॉन्टैक्ट खत्म हो जाएगा, अगर ऐसा लिखा हुआ है, या वो पर्सनल स्किल का है कि उसमें अगर नहीं भी लिखा हुआ, अब ट्यूशन से मैं ही पढ़ा सकता हूँ आपकी, मेरा बेटा तो नहीं पढ़ा सकता। रिवोक नहीं होगा नदिया, देखें एक मिनट रखें बेटा, रिवोक नहीं होगा। रिवोक का तो ये होता है कि पहले रिवोक का कंसेप्शन, अच्छा जी बच्ची के रिवोक का याद आया, बताओ जी ऑफर कौन सी 7-8 कंडीशन में लैप्स और रिवोक होगी, कौन जीनियस अप्लाई करेगा ये रिवोक, बच्ची ने लिखा है। मैं दिया आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, पहले रिवोक का मकसद समझ लें जी, कोई बच्चा टाइप करे वो कौन सी 7-8 कंडीशन है जहां पे ऑफर रिवोक स्लैश लैप्स हो जाएगी, ताकि बच्ची का कंसेप्ट और डेवलप हो जाए। सबसे पहला है लैप्स ऑफ टाइम, टाइम था आपने कहा था मैं अपनी गाड़ी बेचना चाहता, यस बिल्कुल सही है, ये बच्ची बिल्कुल सीखने से सही जा रही है। डेथ या इंसेंटिव, डेथ या इंसेंटिव दोनों की हो सकती है, ऑफर या ऑफर, ये 4-1 है, नंबर 2 होगा, शाबाश जी शाबाश, जल्दी करें खुजामा। तीसरा पॉइंट आप बताएं, सब्सिक्वेंट नहीं बेटा, हाँ ये आपने मदी आपने लिखा है, ये 7वां पॉइंट बनता है, सीखने से चलो ना अलीना, जो नंबर 1 था लैप्स ऑफ टाइम, नंबर 2 था डेथ या इंसेंटिव, तीसरे पे आता है सीक्वेंस में सब्सिक्वेंट इल्लीगैलिटी, और जब भी सब्सिक्वेंट इल्लीगैलिटी हो तो मैंने क्या बोला था, क्या वर्ड साथ आना चाहिए, बहुत बहुत। अच्छा मैं आपको एक फाइल भेजता हूं, उसमें ये सीक्वेंस हैं, पढ़ो और फिर मैं आपसे पूछता हूं, एक मिनट रुकिएगा, मैं आपको फाइल भेज रहा हूं, वो प्राइवेट ग्रुप है ना, एक पे हाँ फिर ये ठीक है। नहीं अलीना वाइट कॉन्टैक्ट की तरफ कहां से आ गए बेटा, यहाँ पे फेलियर की फुलफिल कंडीशन तो ठीक है, वाइट कॉन्टैक्ट में कहां से आ गए, ये जो आपका ग्रुप है ना मैं उसमें भेज रहा हूँ, हमारा डिस्कशन ग्रुप कौन सा है, हाँ ये आ गया, ये इसमें ओपन करें और रिवोकेशन पढ़े, आपके बुक में तो आपका लिखी है ना बेटा, इसको यू नहीं मैंने ये भेजी है, पीडीएफ मिल गई है जो रजिस्टर्ड है ग्रुप में,
ओपन करें इसको, रिवोकेशन ऑफ ऑफर निकालें, या एक मिनट रुकिएगा, मैं कोशिश करता हूं, एक मिनट रुकिएगा। बेटे ये नजर आ रही है आप, ये ऑफर वाला नजर आ रहा है बेटा? जी सर आ रहा। ये असेंशियल थे, दो बच्चे डिस्कनेक्ट हो गए। अच्छा ये तो असेंशियल थे, ये थे आपका इससे पहले, ये थी टाइप्स ऑफ ऑफर जो मैंने शुरू में पढ़ाई थी। ये टाइप्स ऑफ ऑफर है, ये हमने रिवाइज करते करते यहां तक पहुंचे थे। पहले तो इसमें देखें कुछ चीज, ये टाइप्स ऑफ ऑफर है ना बेटा? जी सर। शेयर हो रही है ना? जनरल ऑफर, जनरल ऑफर को कब पेस्ट किया था हमने, स्पेसिफिक ऑफर।
जी भैया वो जो फाइल भेजी है उसको निकाले ओपन करें जरा। उसमें आइएगा क्योंकि टाइम से भी नहीं पड़ते, उसमें आइएगा कि रिवोकेशन कैसे होगी। आर्ट कमीशन लिखी है रिवोकेशन ऑफ ऑफर या लैप्स ऑफ ऑफर। याद रखिएगा अगर सिर्फ रिवोकेशन होता तो फिर सिर्फ एक होता, वो जो आप ऑफर की है वो ऑफर जब वापस देते हैं इसको रिवोकेशन कहते हैं। एलिगो ने अपनी गाड़ी मुजाहिमा को कहा मैं 5 लाख में बेचना चाहता हूं, बाद में इनका इरादा चेंज हो गया और वो कहते हैं कि सॉरी मैं नहीं बेच रहा आपको, लेकिन रिवोकेशन तब होगी जब अगली पार्टी ने भी एक्सेप्टेंस नहीं दी। अगली पार्टी ने एक्सेप्टेंस दे दी तो फिर रिवोकेशन नहीं हो सकती। तो रिवोक स्लैश लैप्स की बात करेंगे, लैप 7 डेज से होता है। रिवोक का मतलब होता है वापस लेना, बात समझ आ रही मेरी। तो ये 8 कंडीशन है रिवोकेशन या लैप्स ऑफ ऑफर। अब ये आहिस्ता आहिस्ता जो है आपके जिन पे डिवेल्प होना चाहिए रट्टे के बगैर भी। नंबर 1 क्या था, लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम। नंबर 2 इंसेनिटी। अब इंसेनिटी या डेथ ये 4-in-1 है, आपकी मर्जी है 4 अलग लिखो। इंसेनिटी ऑफ ऑफर ऑफरर, इंसेनिटी ऑफ ऑफरी, डेथ ऑफ ऑफरर, डेथ ऑफ ऑफरी, ये 4-in-1 है। तीसरी एंड 3 चीज है दैट इज बाय सब्सिक्वेंट इनलीगैलिटी। मैं बार बार रिपीट करता रहता हूं, जब भी बाय सब्सिक्वेंट इनलीगैलिटी की बात करेंगे तो मीन चेंज या प्रोहिबिटेड बाय लॉ। जब चेंज बाय या प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो जाएगा That means if it is offer, it will be lapse. If it is contract, also it will become void contract. Is it clear to you? Fourth number aayega non-acceptance interest time manners. Beta, ye 8 condition hai. Inme padhe, koi puche ye cheez na samajh aa rahi ho. इस फाइल में आपकी एसेंशियल अलहदा हैं, टाइप्स अलहदा हैं और रिवोकेशन लैप्स अलहदा हैं। इसमें पूछे एक एक चीज पूछे, शाबाश। Is it clear to you, beta? Okay. अब वापस आइएगा जो बच्ची ने क्वेश्चन पूछा था, मदिया बेटी ने पूछा था। दिया आपने एक रिवोक वाला यूज किया था, वो रिवोक का कंसेप्ट ये वाला आपने यहाँ पे लिखा रिवोक में। तो रिवोक का पहले कंसेप्ट लैप्स और रिवोक का मेन कंसेप्ट समझिएगा। रिटर्न का लैप्स ऑफर पॉइंट टू मीट विद ऑब्लिगेशन। Can't understand your question, beta. आपने लिखा लैप्स ऑफर पॉइंट टू मीट विद ऑब्लिगेशन रिप्रेजेंट। बेटा को बच्चा क्वेश्चन समझा, बढ़िया बेटी पूछना क्या चाह रही है ये। बेटा आपका क्वेश्चन मैं नहीं समझ पाया, आपको क्वेश्चन और बच्चा और समझ सकता है, बच्ची पूछना क्या चाह रही है। व्हाट्सएप पे 2209 पे पूछो मदिया बेटा।
वॉइस नोट में पूछे मैं आपको क्वेश्चन नहीं समझ पाया, किसी बच्चे को समझ आया बच्चे क्वेश्चन था? ये पूछिए लैब्स ऑफर पॉइंट टू मीट विद ऑब्लिगेशन रिप्रेजेंटेटिव, मुझे बेटा या तो यहाँ पे सबको डैश करके लिखो या फिर मुझे वॉइस नोट में भेजो, मैं आपका मैसेज प्राइवेट मैसेज है मुझे वॉइस नोट में भेजो, ये क्वेश्चन है मैं सुन के तो आपको रिप्लाई करता हूँ, यहाँ मुझे समझ नहीं आ रही आपके क्वेश्चन की बेटा। बच्चे ने क्वेश्चन लिखा मुझे भाई, वो बच्ची वाइट नोट पे बैठी है, फिर मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा जी तब तक हम ये शुरू कर लेते हैं, वहां रिवोकेशन वाला कंसेप्ट, कुछ चीजें ऐसी हैं जो बार बार डेवलप करते जाएंगे, जब जब क्लास आगे चलती जाएगी चीजें डेवलप करते जाएंगे, वो रिवोकेशन आपका अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा वहां पे रिवोकेशन हमने लिखा था बाई नोटिस, बच्ची ने लिखा बाई नोटिस, किस सूरत में बाई नोटिस रिवोकेशन नहीं होगी, कोई बच्चा तुक्का लगा सकता है? मदिया बेटी ने लिखा था ना बाई रिवोक, ये बताओ किस सूरत में रिवोक नहीं होगा? यस एक्सेप्टेंस दे दी तो रिवोक नहीं होगा। अच्छा इसी तरह पॉइंट टू में हमने पढ़ा डेथ या इंसेंटी, वहां भी एक जगह एक्सेप्टेंस वैलिड हो जाएगी, वो कैसे होगी? शाबाश ट्विस्ट ऐसा सब पिक करो, डेथ या इंसेंटी की सूरत में ऑफर लैप्स कर जाएगी, लेकिन एक कंडीशन ऐसी है जहां पे वो लैप्स नहीं करेगी, कोई तुक्का लगाओ। Yes, दोनों सही है लीना खुजैमा बेटा। हाँ ये वो सिचुएशन है कि जैसे फर्ज किया मिस्टर नासर हैं, उन्होंने किसी को जनरल नेचर का कंटेक्ट किया और अगली पार्टी को नहीं पता था कि उसकी डेथ हो गई या पागल हो गया, और उन्होंने एक्सेप्टेंस दे दी और वो कंटेक्ट उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जैसे चीनी पहुंचानी थी या कोई इस किस्म की थी जो उसकी स्किल इन्वॉल्व नहीं थी, तो फिर वो वैलिड हो जाएगा, फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव बाउंड हो जाएगा, अगर पर्सनल स्किल थी तो वो वाइड हो जाएगा। क्लियर है? दैट्स ग्रेट यही चाहता हूं, शाबाश, यही चाहता हूं गाइस सब पिकिंग शुरू कर दें, ग्रेट वन। अच्छा अब यहां पे आइएगा जो रूटीन में पढ़ रहे थे, ये पूछे क्वेश्चन, ओके यहां पे ऑब्लिगेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ये हो चुका, वो पर्सनल वाला effect of refusal to perform promise, ये जो example है ना ये आपके paper वालों को ये example बहुत पसंद है और इसको हम पढ़ेंगे, इसलिए पढ़ेंगे कि अगर आप नहीं भी पढ़ते ये example आपकी बहुत अफाई है। और दूसरा यहां ये भी रखेगा ये professional है तो इसलिए ये example दूसरों से थोड़ी सी differ कर जाएगी, ये professionals है, professional ना होता तो शायद ये ना होता। Effect of refusal to perform promise wholly. When a party to contract has refused to perform or disabled himself from performing his promise in its entirety, the promisee may put an end to the contract unless he has signified by words or conduct his willingness in its continuance. ये बात है सिंगर की, यहाँ पे एक सिंगर है आसमा, उसका कंटेक्ट हुआ बाबर से कि वो पूरा महीना उसके थिएटर में गाएगी, सॉरी टू नाइट्स एवरी वीक, नेक्स्ट टू मंथ वो उसके थिएटर में गाएगी और उसके बदले उसको 100 रुपए मिलेगा। सिक्स नाइट में इसने जान बूझ के अब्सेंट कर लिया उसको, बाबर के पास ऑप्शन है वो कंटेक्ट को एंड करते। एग्जाम्पल नंबर 38
सेम चीज आएगी आगे लेकिन थोड़ा सा चेंज आएगा एग्जाम्पल 14 इसको परेशान बात जी शाबाश करें इसको आसमा वाला केस करिएगा ये प्रोफेशनल है सिंगर है उनका अपना नाम था इसलिए इसको परमिशन मिल गई कोई और आम आदमी होता है एब्सेंट होता नहीं आ रहा जान बूझ के तो वो दूसरे कहते हैं जाओ भाई छुट्टी करो हमें और पता मिल गया है ये चूंकि केस स्पेशल है प्रोफेशनल है सिंगर है इसलिए उसने उसको दोबारा अगर वो ज्वाइन करना चाहती है तो परमिट कर दिया नॉर्मल लाइफ में ऐसा मोस्टली नहीं होता 13-14 दोनों को पड़े शाबाश क्लियर है अच्छा दरमियान में जो बच्चे लेट चेक किया ये जिनको कहा अगर 5-7 मिनट ब्रेक लेनी हो तो ले सकते हैं नहीं तो कंटिन्यू करते हैं लेनी है फिर ये ले लें ठीक है 10 मिनट की ले लें ब्रेक ठीक है बेटा की मर्जी ओके ओके ले रहे ब्रेक ले रहे सुहेल भी ज्वाइन करके और ले ज्वाइन किया जी बेटा सबका आवाज आ रही है ब्रेक 7-8 मिनट की ब्रेक ले रहे फिर री ज्वाइन करते हैं ठीक है बेटा
जी बेटा शुरू करें। जी मदिया आपने जो कहा था वो डिफरेंस ये था, आवाज आ रही है सबको उजैमा से? बेटा आवाज आ रही है सोए? ओके बच्ची ने पॉइंट टू का डिफरेंस पूछा है इंसेंटी और डेथ। देखिए बेटा आपको नासर ने मतलब आपको चलो शगुफ्ता ने कहा था कि मैं लिप्स कोई एक ये वॉशिंग मशीन 10,000 की बेचना चाहती हूँ, ये ऑफर थी। अब वो शगुफ्ता पागल हो गई या डेथ हो गई, ये जर्नल लेटर का कंटेक्ट है। ये अभी ऑफर हुई है और एक्सेप्टेंस नहीं हुई, ये वाइड हो जाएगा। लेकिन अगर उसने एक्सेप्टेंस दे दिया उसके बाद जो है उसकी डेथ हो जाती है तो वो आप क्लेम कर सकती हैं जर्नल लेटर का कंटेक्ट। लेकिन अगर उसने आपको सिलाई कढ़ाई का सूट बना के देना था फिर वो डेथ के बाद भी वाइड हो जाए। लिए है मदिया या दोबारा बताओ? चलिए ओके। अब आइएगा यहां पे एक केस स्टडी दी है, वही सिंगर वाली है या पेंटिंग वाली है जो कंसेप्ट में दी है वो सारे वही वाले हैं जी। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करें, उसमें कुछ पूछना है दो मिनट ले पूछें देखें, नहीं तो नेक्स्ट शुरू करते हैं बेटा। प्रीवियस चैप्टर का रिव्यू करें पूछें नहीं तो नेक्स्ट शुरू करते हैं। आपने पूछा काइंडली गिव एन एग्जांपल ऑफ प्रीवियस स्टेप इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू परफॉर्म, ये एग्जांपल दे दें। जी आप शायद एक मिनट,
ये सिंगर का एलिमेंट है, ये है ना अफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू परफॉर्म होली। ये मेरे ख्याल आप उस टाइम डिस्कनेक्ट हो गए थे। यहाँ पे आपने एक मजदूर लगाया अपनी बिल्डिंग बना रहे हैं कि पूरा महीना वो ये दो महीने काम करेगा, छठे दिन वो जान बूझ के नहीं आया, कहते मेरा मूड नहीं है, मर्जी, मतलब जान बूझ के, बीमार भी हो सकता है, आपकी मर्जी, आपका काम रुक रहा है, आपकी मर्जी है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दें और नया मजदूर रख लें या उसी का वेट कर लें दूसरे दिन। लेकिन जो ये एग्जाम्पल दी हुई है ये प्रोफेशनल्स की है, याद रखिएगा यहाँ पे जब केस स्टडी लेते हैं तो कुछ चीजें जो आपको आहिस्ते आहिस्ते डेवेलप होगी। ये आसमा की एग्जाम्पल दी हुई है, सिंगर की है। अब सिंगर फर्स्ट के जो है जुहैर का थिएटर है और आसमा उसमें सिंगर है, जुहैर की इनकम भी सिंगर पे डिपेंड कर रही है, दो तीन सिंगर है उसमें एक आसमा भी है, तो वो उसको जो है मींस वो प्रोफेशनल है, सिंगर है, इसकी रोजी उस पर डिपेंड करती है। मजदूर का तो आपको दूसरा उस जैसा मिल जाएगा, लेकिन सिंगर में भी उस जैसा ना मिले अगर वो जान को, यहाँ पर देखें ना उसने विलफुली एब्सेंट किया है, बीमार नहीं है, तो इसके पास ऑप्शन है वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दे। लेकिन जब उसकी रोजी है उसको पता है, यहाँ नेक्स्ट वो कहती है चलना कंटिन्यू सेवंथ नाइट कंटिन्यू करना चाहती हूँ, तो उसको कंटिन्यू कर सकता है। वो सिचुएशन प्रोफेशनल की वर्थ देखी जाती है, यहाँ जब भी सिंगर या प्रोफेशनल आएगा उसकी वर्थ देखी जाती है। ठीक है, मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ, नाम नहीं लूंगा, यूनिवर्सिटी है छोटी सी, तो वहां उन्होंने कहा कि हमें यहाँ सब्जेक्ट करा दें लॉ का, मैंने कहा उस टाइम मैंने कहा चल दी ठीक है, बाद में मैम को कहा कि मैं टाइम नहीं है मैं नहीं करा पा रहा, वर्बल बात थी, तो वो खामोश हो गए। लेकिन दो तीन हफ्ते गुजरे तो बच्चों ने कहा कि हमने उसी सर से पढ़ना है, अब मुझे इन्होंने कहा कि मैंने रिफ्यूज कर दिया था, उनकी मर्जी है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दे, लेकिन बच्चों ने इनको दबाव डाला कि नहीं हमने तो उसी सर उन्हीं सर से पढ़ना है। अब उन्होंने मुझे फिर रिक्वेस्ट की कि बच्चे की डिमांड आप प्लीज इसको कंटिन्यू करें, तो मैंने कहा चले ठीक है, अब वो कंटिन्यू हो गया। प्रोफेशनल्स के और लेमैन या आम आदमी के कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा सा वेटेज में फर्क आ जाता है। यहाँ ये एग्जाम्पल सिंगर की दी हुई है, अगर उसके बदले में कोई दूसरा आम होता, आप यू समझे मतलब आप डॉक्टर हैं किसी हॉस्पिटल में, आपने कहा कि मैं दो महीने यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट है, बड़ी मशहूर डॉक्टर है, आपने कहा मैं डेली वीक में दो दिन बैठा करूंगी, दो वीक के बाद आप कहती मेरे पास टाइम नहीं है मैं नहीं आ रही, अब वो परेशान है, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपने कहा अच्छा मैं आऊंगी, तो आप उसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। वो सिचुएशन के आपके ना आने से जिससे नुकसान हुआ वो चाहे तो आपसे उसका कंपनसेशन भी ले सकते हैं और चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। लेकिन इसको देखते ही रखिएगा, बार दफा लॉ कहते हैं लॉ सबके लिए एक जैसा है, नहीं अगर ये क्या खुजामा बिचारे ने कोई जुर्म किया है तो उसको वो शायद छोटे से जुर्म पे छह पत्नी कितनी सजा हो जाए, लेकिन वही चीज आप देखते हैं बड़े लोग वो चीजें मैटर करती हैं, पर क्या बड़े लोगों का इसी तरह प्रोफेशनल है मैटर करती हैं, वो आप चीजें इग्नोर नहीं कर सकते। हम जिस माशरे में रह रहे हैं पूछो शाबाश। अब आइएगा नया टॉपिक शुरू करते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट शुरू करें, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। बच्चे दो तीन डिस्कनेक्ट हुए चले, इसको एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट को बुक से पहले नहीं पढ़ेंगे, पहले हम खेलेंगे। ये बहुत टिपिकल है, आपकी बुक में बहुत टफ है, हम पहले इसको सिंपल खेलते हैं फिर आएंगे एप्रोप्रिएशन के ओरिजिनल की तरफ।
तो क्रिएशन ऑफ पेमेंट की पहली बात यह कि डेफिनेशन ही सही नहीं लिखी। ये मैं बोलता जाऊंगा, इसको मेमोराइज कर लीजिएगा या लिख लीजिएगा या बाद में वीडियो से रिकॉर्डिंग देख उसको। When you have many debts to a same creditor, मैं रिपीट करता हूं, When you have many debts to a same creditor and you are unable to pay the whole amounts, then you pay in parts, not installment. जब आपके किसी एक ही debtor के बहुत सारे debt हों, अच्छा मैं टाइप करता हूं बेटा, ठीक है। To the same creditor, then you have many debt to the same creditor, and you are unable to pay. Unable to pay the whole amounts, then you pay in parts, not installment. That is appropriation of payment. ये आ गया, when you have the many debts to a same creditor and you are unable to pay the whole amounts, no need for thanks, it's my job beta. When you have many debts to a same creditor, same याद रखेगा, and you are unable to pay the whole amounts, then you pay in parts, but not installment, that is appropriation of payment. अब ये याद रखेगा कि ये एक तो यही डेफिनेशन याद रखें, ये जो आपके प्रिपरेशन ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन यहाँ पे है वो सही नहीं है, जो मैंने बताई है उसको फोकस करें एक बार। दूसरा आप ऐसे करें कि इसको पढ़ने से पहले खेलते हैं, आप खेल के पढ़ेंगे आपको इजी समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल खुजामा जो है इनका सदर में होलसेल का बिजनेस है। खुजामा एग्जाम्पल को स्कूल से सुनिएगा, सारी चीजें खुद खुद आपको कवर हो जाएंगी। ये रट्टा लगाने से कोशिश करें कि ना लगाना मुझे। खुजामा का होलसेल का बिजनेस है,
और जुहेर जो है वो मंदिर में रहते हैं। जुहेर कहाँ रहते हो? जहाँ रहते हैं वहां पे एग्जांपल दे देते हैं। अच्छा मलीर ही रहते हैं, चले इत्तेफाक हो गया। तो जुहेर मलीर में रहते हैं और जुहेर ने अभी नई शॉप खोली है, पैसे ज्यादा नहीं है, थोड़े हैं। ये खुजैमा से चीजें मंगाते रहते हैं, ये आम दुकानदार इसी तरह करते हैं। तो जुहेर कभी वॉशिंग मशीन मंगा लेते हैं, कभी टीवी मंगा लेते हैं, कभी एसी मंगा लेते हैं, ठीक है, कभी फ्रिज मंगा लेते हैं, कभी बाइक मंगा लेते हैं, जूं जूं आगे बिकते रहते हैं। कभी किसी चीज गुंजाइश बनती रहती है, कभी किसी चीज के पैसे दे देते हैं, कभी किसी चीज के पैसे देते हैं। तो मेन ना तो वे कैश पे ले रहे हैं, ना इंस्टॉलमेंट पे ले रहे हैं, डेट पे ले रहे हैं और डिफरेंट अमाउंट है और इंस्टॉलमेंट नहीं है। जब आपके बहुत सारे डेट्स एक ही क्रेडिटर के पास हो और उस काबिल ना हो कि सारे डेट्स इकट्ठे क्लियर कर सके, देन यू हैव मैनी डेट्स टू अ सेम क्रेडिटर एंड यू आर अनेबल टू पे द होल अमाउंट्स, देन यू पे इन पार्ट्स, दैट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। तो अब ये कहानी जेन पे रखिएगा, सब कुछ आवाज आ रही है ना, समझ आ रही है, ये कहानी जेन पे रखिएगा, फिर आपको आसान हो जाएगा। खुजैमा के पास होलसेल दुकान है, होलसेल है, और जुहेर ने मलीर में शॉप खोली है। कोई डाउट? ओके, तो जुहेर जो है उसे चीजें मंगाते रहते हैं, कभी फ्रिज, कभी एसी, कभी कोई चीज, और जो जो गुंजाइश बनती है वो पे करते रहते हैं। दैट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, सबसे पहली बात तो ये हो गई। अब इसके पांच मेथड हैं, आपकी बुक में चार है, लेकिन पहले ओरिजिनल पांच सुन लें ताकि आपको आसान हो जाएगा। एक तरीका तो यह है कि ये चीजें मंगाते रहे और पैसे इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा, लिख के दे दिया कि भाई मैं इस दफा वॉशिंग मशीन वाले पैसे बेच रहा हूं। उन्होंने एज इंडिकेटेड बाय डेटर, एज एप्रोप्रिएटेड या इंडिकेटेड या एक्सप्रेस बाय डेटर, डेटर ने बताया है कि भाई मैं इस दफा कौन से पैसे बेच रहा हूं, एक हल। दूसरा हल यह है, एज डिमांडेड बाई क्रेडिटर, खुजैमा ने कहा है कि इस दफा मुझे बाइक वाले पैसे बेचिएगा। पहले दो मेथड क्लियर हैं, एज एक्सप्रेस बाई डेटर, दूसरा एज डिमांडेड बाई क्रेडिटर। दो बातें क्लियर हो गई। ओके, तीसरा है फॉलो द इंप्लाइड इंटेंशन, फॉलो द इंप्लाइड इंटेंशन। इंप्लाइड इंटेंशन आपकी बुक में नहीं लिखा, उन्होंने मिक्स कर दिया है कि जुहेर ने एक अमाउंट भेजी है 72,846 रुपीज। उसके बहुत सारे डेट थे, कोई 50,000, कोई 40,000, कोई 5,000, कोई 80,000, कोई 1,00,000, लेकिन उन्हें एक ऐसी अमाउंट भेजी है जिसका एज इट इज डेट मौजूद है। बात समझ आ रही है? तो तीसरा आएगा फॉलो द इंप्लाइड इंटेंशन। मैं फिर रिपीट करता हूं, फर्ज कर लें इस्माइल है, उसके पापा ने एक जो है गोट बकरी कुर्बानी के तरह में बकरी रखी हुई है, एक शेर भी रखा हुआ है, ठीक है, एक आप समझे कि मुर्गी भी रखी हुई है और इस्माइल को भी रखा हुआ है।
उन्होंने घास बेचा है, बताया नहीं किसको डालना है, तो इंप्लाइड इंटेंशन क्या होगी? शेयर को डालेंगे, इंप्लाइड इंटेंशन क्या शो होगी? बताया नहीं है, बेटा समझ आई या नहीं आई? पहले तीन कंसेप्ट क्लियर है, कोई बच्चा जिसको डाउट हो, एज एक्सप्रेस बाई डेटर, एज डिमांडेड बाई क्रेडिटर, फॉलो द इम्प्लाइड इंटेंशन ऑफ लेटर, तीन बातें क्लियर हो गई। लेकिन तीसरे वाले में ये होगा ना कि वो अपनी मर्जी से भी, वो चौथा है आपकी बुक में, मैं बताता हूँ वो उसने एक, मैं पहले पांच मेथड जो मैं बता रहा हूँ ना वो पहले पढ़े, फिर आपकी बुक से पढ़ते हैं ना, आपको अब खेल के पढ़े ना, कि एक तो उसने कहा कि मैं इस दफा ये पैसे भेज रहा हूँ, नंबर वन क्या है, एज एक्सप्रेस बाय डेटर, दूसरा एज डिमांडेड बाय क्रेडिटर, दो, तीसरा फॉलो द इम्प्लाइड रिटेंशन, तो उसने एक ऐसा डेट भेजा है जो बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट का है, तीन बातें हो गई। चौथा जो है वो अब ना तो इसने बताया है जोएर ने, ना आपने डिमांड की थी, उसने एक लाख का चेक भेज दिया और वो कोई अमाउंट भी टैली नहीं हो रही, तो फिर आपके पास राइट है कि आप जो फीफो मेथड अप्लाई करेंगे, बेशक वो टाइम बाल्ड भी है, ठीक है, जो सबसे पहला डेट था वहां से क्लियर करेंगे। जो चीज समझाना चाह रहा हूं बेटा समझ आई है? कोई बेटा बेटी जिसको समझ ना आ रही हो? डरना ज्यादा हो रहा है, बच्चे क्लास कैंसिल कर, मेरी इसके बाद क्लास है वहां पे, बच्चे कह रहे क्लास कैंसिल कर दे, बच्चे आए नहीं आज, ज्यादा डरना है, ज्यादा ब्लॉकेज है, तो बाहर निकला है। फोर्थ पॉइंट समझ नहीं आया? मैं फोर्थ पॉइंट में आया, अभी आप जो है यहां पे बेटा मकसद समझे, अभी आपकी बुक से तो मैं पढ़ा ही नहीं रहा, मैं चाह रहा हूं कि आप खेल के पढ़े, पहले जो मैं कहानी सुना रहा हूं उसको फॉलो करें,
अच्छा पहले चार पॉइंट्स क्लियर हैं एज एक्सप्रेस बाय डेटर जो है ने कहा कि मैं ये पैसे भेज रहा हूँ एज डिमांडेड बाय खुजैमा ठीक है एज डिमांडेड बाय क्रेडिटर खुजैमा ने कहा मुझे इस दफा मोटरसाइकिल वाले पैसे भेजो या एक ऐसा डेट भेज दिया जो बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट का था तीन चौथा कुछ ना उसने डिमांड की ना उसने बताया ना डेट है तो फीफो रूल अप्लाई होगा इज इट ओके पांचवा ये पहले चारों क्लियर है तो पांचवे की तरफ जाऊं मैं कोई बेटा बेटी जिस अच्छा ठीक है क्लियर ओके अब आइएगा पांचवा पांचवा ये सिचुएशन होती है कि से फॉर एग्जाम्पल ये अच्छा ठीक है से फॉर एग्जाम्पल कि मैंने मदिया बेटी से 1,00,000 लोन लिया मैंने मदिया बेटी से 1,00,000 लोन लिया और उस पे इंटरेस्ट था 4,000 अब 5 महीने बाद मैं मदिया को 50,000 बेचता हूं तो याद रखिएगा वो 50,000 प्रिंसिपल अमाउंट 1,00,000 था उसमें से नहीं काटेगी वो पहले इंटरेस्ट अमाउंट कितनी थी 4,000 वो काटेगी सॉरी 4,000 के हिसाब से 5 महीनों का 20,000 वो काटेगी 20,000 जो बाकी अमाउंट बचेगी वो प्रिंसिपल अमाउंट से काटेगी डाउट नो सर कोई बेटा बेटी जिसको क्लियर ना हो ये खेल के पढ़ो तो बेहतर रहेगा इसलिए कि रट्टा हल नहीं है बच्चे ने पूछा ये पांच चारों पांच कंसेप्ट क्लियर है तो फिर बुक से पढ़ मैं फिर कह रहा हूं जो खेल के पढ़ाया उसको जेल पर रखें आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा हाँ कंसेप्ट डिवेलप करने के लिए आपकी बुक से पढ़ना शुरू करते हैं इसको पढ़ने से पहले दोबारा दो मिनट जो मैंने खेल के पढ़ाया है खुजैमा और जहर वाली कहानी उसको जेल पर रखें फिर आगे चलते हैं वो पांचों कंसेप्ट रिवाइज करें जो मैंने कहा था कहानी के तौर पे फिफ्थ पॉइंट रिपीट करो फिफ्थ पॉइंट बेटा ये है मदिया बेटा कि मैंने आपसे 1,00,000 रुपया लोन लिया और उस पर इंटरेस्ट था 4,000 अब हुआ ये कि 5 महीने बाद मैं 50,000 आपको भेज रहा हूं तो आप वो 50,000 डायरेक्ट 1,00,000 से प्रिंसिपल अमाउंट से नहीं काटेंगे पहले आप अपना जो इंटरेस्ट है आपका 20,000 वो काटेंगे 5 महीने का 4,000 के हिसाब से 20,000 जो इंटरेस्ट बना है वो काटेंगे बाकी बचे 30,000 वो फिर प्रिंसिपल अमाउंट से काटेंगे ये रूल भी है बुक से पढ़ना शुरू करते हैं जहां पे आपके थोड़े थोड़े ट्विस्ट शुरू करेंगे यहां पे प्रिपरेशन जो ये डेफिनेशन है ये नहीं है वो प्रॉपर जो मैंने लिखवाई है वो रखिएगा प्रिपरेशन ऑफ पेमेंट मीन एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट टू अ पर्टिकुलर डेट या डेट्स वेयर अ डेटर और सेवरल डिस्टिंक्ट डेट्स टू वन पर्सन ऑलमोस्ट बात तो वही है लेकिन ये थोड़ा सा रट्टे वाली है जो मैंने आपको इजी वे में बताई है वो बेहतर रहेगी एक बार दूसरा
जो यहाँ से शुरू करते हैं, वेयर डेथ इज डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड, जो मैंने बताया था कि डेटर ने जाए, डेटर ने वो कहा था कि ये वाली अमाउंट, ये देखिए एग्जांपल देखिए, वेयर डेटर मेक्स अ पेमेंट विद ईदर एक्सप्रेस आर इंप्लाइड इन इंटीमेशन दैट द पेमेंट। अब ये वो दो चीजें इकट्ठी कर रहा है, जो मैंने आपको इंप्लाइड इंटेंशन बोला था या उसने एक्सप्रेस, ये वो यहाँ दो चीजें कंबाइन कर रहा है। इंप्लाइड इंटेंशन मैंने आपको कहा इंटीमेशन दैट द पेमेंट इज टू बी अप्लाइड टू डिस्चार्ज ऑफ सम पर्टिकुलर डेट, द पेमेंट इज एक्सेप्टेड मस्ट बी अप्लाइड अकॉर्डिंगली। अब ये एग्जांपल समझिएगा, जो मैंने आपको वन और थ्री बताई थी उसने यहाँ ये दो कंबाइन कर दी। आदम और टू बशीर अमंग अदर डेट्स द सम ऑफ आरएस 567 567 रुपीज बाय बाबर राइट्स टू आदम एंड डिमांड पेमेंट ऑफ दिस सम, आदम सेंड आरएस 567 ठीक, दिस पेमेंट इज टू बी अप्लाइड टू डिस्चार्ज ऑफ डेट ऑफ विच बाबर हैड डिमांड पेमेंट। अब ये उल्टा हो गया, when debt is to be discharged as indicated, इन्होंने अब इसका मिक्सचर बना दिया, डिमांड वो कर रहा है उसी हिसाब से। अब यहाँ पे इंडिकेटर का मतलब ये था कि जो बंदा जो डेटर दे रहा है यहाँ पे, एग्जाम्पल मैच नहीं करती यहाँ पे, यहाँ पे डेटर पेमेंट कर रहा है ठीक है, ये एग्जाम्पल तो होनी चाहिए थी कि एज डिमांडेड बाई क्रेडिटर, बात समझ आ रही है आपका, ये अच्छे वाला नहीं लिखा हुआ, मैं कोशिश कर रहा हूं पर आपको कंसेप्ट जो एग्जांपल दिए उस वाले ने, इज इट ओके, ओके। अब ये नीचे वाली एग्जांपल है वो इंडिकेटेड वाली, आदम ओ बाबर अमंग अदर डेट्स आर 1000 रिलेटेड टू इनवॉइस नंबर 27 व्हिच फॉल्स ड्यू ऑन द 1st जून, ही ओव्स बाबर नो अदर डेट्स ऑफ दैट अमाउंट इन द 1st जून, आदम पेज टू बाबर आर 1000, द पेमेंट इज अप्लाइड टू डिस्चार्ज ऑफ इनवॉइस 27। ये वो इंप्लाइड कंसेप्ट आ गया जो मैंने कहा, ये क्लियर है। अच्छा अलीना, सब क्रेडिट भी डिमांड कर सकता है और डेटर भी बता सकता है तो ये, जी जी बिल्कुल सही है, मैंने आपको जो कहानी सुनाई है ना जेन पे वो रखो, जो आप दोबारा समझे खुजैमा और जुहेब वाली कहानी समझे, आपको याद करने में या टिक करने में आसानी हो जाएगी। अब आइएगा यहां पर हेडिंग नंबर टू, डेट टू बी डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेटेड, अब हेडिंग कुछ और है ठीक है, बहरहाल देयर इज डेटर हैज ओमिटेड टू इंटीमेट एंड देयर इज नो अदर सर्कमस्टेंसेस इंडिकेटेड टू विच डेट द पेमेंट इज टू बी अप्लाइड, ये वो सिचुएशन है कि ना उसने मांगा ना इसने बताया ठीक है, द क्रेडिटर ऑप्शन टू अप्लाई द डेट टू एनी लॉफुल डेट ड्यू फ्रॉम द डेटर इवन इफ इट इज टाइम बार डेट बट ही कैन नॉट अप्लाई टू पेमेंट ऑफ डिस्प्यूटेड डेट, जहां पर अंडरस्टूड है किसी का डिस्प्यूट वाला डेट है तो वहां पर अप्लाई नहीं करेगा, वापसी पे अप्लाई करेगा। वही एग्जांपल दिखेगा, आदम ऑफ सेवरल डेट्स टू बाबर, वन ऑफ देम इज व्हेन लैक इज टाइम बार, टाइम टाइम बार समझ जाए ना, जिसका टाइम गुजर चुका, आदम सेंड आरएस 2 लाख टू बाबर विदाउट इंडिकेटिंग द डेट व्हिच इज टू बी एप्लीकेटेड, बाबर ने एप्लीकेटेड आरएस 1 लाख अगेंस्ट द टाइम बार डेट जो पहले रहता था। आपकी बुक में ये चीजें उसने बहुत टिपिकल कर दी हैं, मैंने जो आपको एग्जांपल दी है मैंने जानबूझ के आपको पहले सारा वो पढ़ाया इसलिए है कि यहाँ पे वो कभी कुछ मिक्सचर कर रहा है, आपको वो पांच बातें अगर वो जो मैंने समझाई हैं खेल के
वो लें तो अच्छा रहेगा। इज इट ओके? नेक्स्ट है नीदर पार्टी मेक्स अप्रोप्रिएशन द पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ दैट इन अदर ऑफ टाइम वेदर आर नॉट, वही वाली बात, दे आर टाइम बात। इन अदर वर्ड्स ऑल पेमेंट शैल बी अप्लाइड टू वर्ड द पेमेंट ऑफ फर्स्ट डेट टिल इट गेट्स एक्सटिंग्विश्ड। सिमिलरली ऑल सब्सिक्वेंट पेमेंट अप्लाइड टू वर्ड सेकंड डेट, वही पहले डेट से बच गया तो दूसरे में अप्लाई कर सकते हो, दो कवर हो रहे हैं तो ठीक है। इट गेट्स फुली पेड एंड सो ऑन। इफ द डेट्स आर ऑफ इक्वल स्टैंडिंग द पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्जिंग ऑफ इट एप्रोप्रिएटली। ये अब यहाँ पे ने टांगे तोड़ी हुई है, ये इसकी एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है। आजम और बाबर थ्री डेट्स वन लैख 50,000 थ्री लैख 18 अप्रैल एंड आर एस 4 लैख 25 अप्रैल। Adam sent 90,000 to Babbar on 20th May. It will be appropriated against two debts of 18 April appropriately as 30,000 and 60,000. कोई तुक नहीं बनता जहां पे ये अप्लाई करना है। समझ आ रही है? वो एक में क्यों ना काट ले, ये एग्जांपल अब स्टैंडर्ड बेसिकली देखा जाए तो नहीं बनती। जो चीज इसको पढ़े बगैर मैंने समझाई, ये मार्क्स देने के लिए या आ जाए टेस्ट के लिए आ जाए तो मजबूरी आपके लिखना, लेकिन ओरिजिनल कंसेप्ट वही है जो मैंने आपको भेजा है। और कहते हो कि मैं इसका ओरिजिनल एक्सट्रैक्ट भी भेज सकता हूँ, ये यहाँ पे बेचारे ने ठप्पे लगाए हैं, कुछ आगे पीछे हो गए। 5 कंसेप्ट जो मैंने बताए हैं और 5वां ये है व्हेन इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल बोथ आर ड्यू। ये जो मैंने मदिया बेटी से 1 लाख लोन लेने की बात की है, देखो देखो एग्जांपल में चीजें क्लियर नहीं है ना, इधर से उधर जा रहा है, इधर से जो मैंने आपको सिंपल फेर के बताया था आप ये समझे कि आप अगर वो एग्जांपल समझते हैं वो समझ लें या दोबारा तो बेटा वो एक भी क्यों नहीं ले लेता, आधे उसमें काटेगा आधे उसमें काटेगा, या तो दो डेट हो गए ना, एक पहले 90 वाला 30 वाला होता वो खत्म हो गया, फिर पीछे जो है 1.5 लाख वाला वो उसमें से काटता। तो बेचारा एग्जांपल में खुद कंफ्यूज है। बेस्ट एग्जांपल जो मैंने खेल के दी है, अगर आपको फजैमा जो है कि नहीं आ रही आप गर्ल्स पे रख लो कि मदिया की जो है उसका बहुत बड़ा बिजनेस है सदर में, और सुचित्रा ने पता नहीं कहाँ रहते हैं, मरीन में रहते हैं कहाँ रहते हैं, वहां मरीन को छोड़ दो, मरीन तो जुहेर रहते हैं, इनको आप रखें कि वो लियारी में रहते हैं, तो सुचित्रा लियारी में रहती है, वहां शॉप है, इससे लिपस्टिक सामान कॉस्मेटिक्स मंगाती रहती है। तो 5 तरीके अपनाओ पढ़े बगैर। पहला क्या होगा, एस सुचित्रा ने कहा कि मैं इस दफा वो ब्यूटी पार्लर जो है ब्यूटी क्रीम वाली पेमेंट भेज रही हूँ,
या सिलाई मशीन वाली भेज रही हूँ एज इंडिकेटेड बाई डेटर, दूसरा एज डिमांडेड बाई मदिया ने कहा इस दफा मुझे वो सोफे वाले पैसे भेजिएगा एज डिमांडेड बाई क्रेडिटर, तीसरा है फॉलो द एम्प्लॉय डिटेंशन, चौथा है दोनों ने नहीं बताया और डेट भी मैच नहीं कर रहा, ठीक है, तो फिर उसके पास ऑप्शन है क्रेडिटर के पास वो जो सबसे पहली पेमेंट रहती है उनमें से निकाल ले, ठीक है, उससे अगर अमाउंट बचती है तो दूसरी तरफ ले आए, और आखिरी है कि दोनों व्यू है प्रिंसिपल ऑफ डेट, तो वो वाली बेहतर है अगर आप यहां पे इन बेचारे जो थप्पा लगा रहे थे इस बेचारे को खुद जहां जा सकता है एग्जाम्पल मिली लगा दी वो पढ़ने के बाद ये पढ़ेंगे तो आपको ये बेहतर, हाँ इंटरेस्ट वाली ठीक है, ये जो है लास्ट वाला मैंने लिखा है एज अ जनरल रूल इफ प्रिंसिपल अमाउंट एंड मार्कअप बोथ आर ड्यू देन मार्कअप इज सेटल्ड फर्स्ट एंड देन प्रिंसिपल अमाउंट इज सेटल्ड, अदर मोर आर एस वेल एट एज प्रिंसिपल अमाउंट एंड आर एस 20,000 एट इंटरेस्ट, वही जो मैंने मदिया वाली एग्जाम्पल दी थी, आदम सेंड आर एस 30,000 टू बाबर, बाबर कैन अप्लाई 20,000 टुवर्ड इंटरेस्ट एंड 10,000 टुवर्ड प्रिंसिपल अमाउंट, ये सही वाला लिखा हुआ है, इसमें देखे चीजें शाबाश पूछे, लेकिन मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको फॉलो करो जो मैंने खेल के पढ़ाया है, उसको याद कर या खेलने के बाद कंसेप्ट डेवलप करने के बाद फिर इस तरफ आइएगा, दो मिनट ले पूछे पढ़े शाबाश, मैंने अर्ज किया है मैं 12:30 बजे हर सूरत पहुंच चुका हूँ, अच्छी बात ना हुए नहीं कर सकते, मेरी मां मजबूरी है, मैंने नहीं पूछा कि क्लास क्यों नहीं उठी, मुझे वो आना है, एक मेहरबानी नहीं होंगे लेकिन फिर सैटरडे को कंपनसेट कर लेंगे, बेटा इसमें चीज कुछ पूछनी है दोबारा रिवाइज करें पूछें, लेकिन बेहतर वो होगा जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, अब यहां पे ये बेस स्टडी है और सोल्यूशन दी हुई है, इन कॉम्पटीशन आपका इसमें कभी भी मैंने नहीं देखा कि प्रॉपर रिटर्न एक दो दफा आया है, वरना ज्यादातर आपकी केस स्टडी आती है, अब देखें ये क्वेश्चन है फॉलोइंग इज स्टेटमेंट ऑफ सम्स पेएबल बाय निसार टू मेराज ऑन 4th March, डेट ऑफ इनवॉइस 1/1/16 और 8/6/16, रुपीज कितने हैं यहाँ पे 2 lakh है या पे 150 है और टोटल 350 है, अब यहाँ पे देखिएगा नासर सेंड अ चेक ऑफ 1 lakh ऑफ आर 5 March एज देयर इज नो इंस्ट्रक्शन फ्रॉम नासर, महाराज एडजस्टेड द पेमेंट अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ 150, ठीक, द गारंटर इमरान ऑब्जेक्टेड, उसने ऑब्जेक्ट किया है टू सच अप्रोप्रिएशन एंड क्लेम दैट एडजस्टमेंट शुड बी मेड इन ऑर्डर ऑफ डेट ऑफ इनवॉइस, या फिर इसके पास 40 आ जाते, ठीक है, अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1872 डिस्कस वेदर द ऑब्जेक्शन ऑफ इमरान इज जस्टिफाइड, इमरान ऑब्जेक्शन इज नॉट वैलिड, अब ये टॉपिक इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंटीमेशन फ्रॉम द डेटर और सर्कमस्टेंसेस इंडिकेटिंग टू व्हिच गेट अप्लाइड, ठीक है, पेमेंट इज टू बी अप्लाइड, द क्रेडिटर इज फ्री टू यूज हिज डिस्क्रिशन एंड अप्लाई टू एनी लॉफुल डेट actually do and pay payable to him from the debtor. There is the part discretion and mostly rule जो होता है कि आप FIFO apply करें नहीं तो उसकी discretion पे आ जाएगा जब कुछ mention ना हो. अब
ये जो एग्जाम्पल थी ना यहाँ पे ये वाली, उसकी ये वाली सही एग्जाम्पल दी हुई है। अब ये समझिएगा, फॉरेन स्टेट में जाना अगस्त और अगस्त ऑफ सम पेबल बाय उबेर ऑन अकाउंट ऑफ करार सप्लीमेंट बाय सप्लाई बाय बिलाल, एक इनवाइस है 37,000 की, कब है 1/1/2008, टाइम मान लो चुका। दूसरी इनवाइस है 2/3, ठीक है 9/20,000, फिर 30 अगस्त, यानी ये 2 मार्च है, ये 30 अगस्त है 50,000, ये वाली एग्जाम्पल पे ठीक है। 28 को ये 63 है, उबैद सेंड ए चेक का फॉर 70,000 ऑन अगस्त 5, देयर बीइंग नो इंस्ट्रक्शन फ्रॉम उबैद द बिलाल अगेंस्ट द पेमेंट अगेंस्ट द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पे इसने 37 यूज की, 20 यूज की, ठीक है, फिर क्या यहाँ पे कितने उसके पास बचे 13, तो ये यहां से इसे काट ले गए। पहले दो डेट वाइज आ रहे थे उसने वो क्लियर किए, फिर कुछ अमाउंट बची वो उसमें जाए, बाकी किसी एडजस्ट कर दिए। इसी में फिर हुआ है क्या, उसका ऑब्जेक्ट किया उसने कि जी इसमें से काटने चाहिए था, मेरी गारंटी है, तो क्या उसका ऑब्जेक्ट वैलिड होगा? जी नहीं, दो मिनट लें इसको स्कूल से पढ़ें, शाबाश। पूछे पूछे शाबाश। पूछे बेटा इसने जो चीज पूछनी है, फिर आगे चले। लीना बेटा पूछे इसमें, इसमें आपकी केस स्टडी लाजमी आती है, वो मैं भेजूंगा भी, भेजो से याद है। लास्ट टाइम मैंने केस स्टडी भेजी थी, किसी ने रिप्लाई नहीं किया। क्लियर है? अच्छा लीना बेटा एक चीज पिक करें, नहीं सारे पिक करें, मैं देखता हूँ कौन पिक करते हैं। आप ये समझे कि आज वो अली नहीं आए, अली जो है इनके एक अच्छी दोस्त थी, उनको बर्थ डे उन्होंने कहा कि मुझे रिंग दे बर्थ डे पे, अली के पास गुंजाइश नहीं थी, अली ने सिस्टर की रिंग चोरी की। कुछ दिन गुजरे कि वो किसी शादी पे गई, बड़ी वो लहरा रही थी, वो रिंग
सबको दिखा रही थी और अली की सिस्टर ने देख लिया और कहा पुलिस को बुला लिया, ये मेरी ये रिक्त वो है जो मेरी चोरी हुई है। अब ये बताए कि ये क्या होगा, वो उसे रिंग वापस लेंगे, पुलिस पकड़ेगी, मारेगी, नहीं मारेगी, क्या होगा? समझ आइए बेटा, इसको पिक करो, क्या होगा? रिपीट करूं? अच्छा देखें, एली हैं उनके सी होगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, एली है एक क्लास फेलो थी, अच्छी शाम हुआ थी, तो उसकी क्लास फेलो कहती है कि मुझे इस दफा बर्थडे पे रिंग गिफ्ट चाहिए। एली के पास पैसे नहीं थे, गुंजाइश नहीं थी, उसने सिस्टर की रिंग चोरी की, उसको जो फ्रेंड थी उसको गिफ्ट कर दी। हुआ ये कुछ दिनों बाद उसने वो रिंग पहनी और शादी में गई तो वहां अली की बहन ने पहचान लिया, ये मेरी है। उसने पुलिस बुला ली और उसको पकड़ लिया, रिंग भी ले ली। तो अब ये बताएं कि ये इसको ऐसा कर सकते हैं या अस्यूम कर सकते हैं या रिंग ले सकते हैं या क्या होगा? पूछे पूछे शाबाश बताएं। ये स्टडी तो ऐसे ही डिवेलप होंगी ना बेटा। मदिया कह रही है सी होगा, अलीना कह रही है शिव नहीं कर सकते। क्यों अलीना, क्यों नहीं शिव कर सकते? उजैमा भी कह रहे हैं नहीं कर सकते। शाबाश, क्यों? पूछे पूछे नहीं कर सकते, वजह? शाबाश दिया बेटा, आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अलीना बेटा आपका रिप्लाई से आप ही जो है वो फिसल गई, गलत कर दिया आपने। अच्छा कंटेक्ट नहीं है तो क्या होगा? बेटा आप लोग चीजें, जी जी मैं भी वेट कर रहा हूँ ताकि आप लोग पिक करें। कंटेक्ट तो नहीं, अच्छा चले किसी को ले लें। आप रिकॉल करो, जी चले एक मिनट और सोच दो फिर मैं आता हूँ सर। शाबाश, बेटा अब गौर से सुनिए। अच्छा क्वेश्चन आया, जाना एली ने चोरी की है उसके नॉलेज में नहीं है कि ये चोरी की। देखें आप
हमने ये तो कहा, लेकिन इसको एकोरेट पकड़ो ना, जो बीमारी है जो जड़ है वहां तक पहुंचो। आप देखे, मैं बताता हूँ, हमने एक्सेप्शन टू कंसिडरेशन पढ़ा था। मैं इसीलिए चीजें बार बार रिवाइज करवा रहा हूँ। पहले तो वो 8 एलिमेंट लिखे जहां पे कंटेक्ट ना भी हो तो कंटेक्ट कंसिडरेशन ना भी हो तो कंटेक्ट वैलिड होता है। वो 8 कंडीशन बताए, शाबाश रिवाइज करें। और उसमें एक ये था, वो तो पहली हो गई। तो ये जो दूसरा खुजैमा ने कहा, ये गिफ्ट था ना, तो जब गिफ्ट किसी को देते हो आप वापस नहीं ले सकते। यही तो वो चीज पिक करने, आप वापस आ रहे हैं एक्सेप्शन टू कंसिडरेशन में। कितने एलिमेंट थे? 6-7 थे। सबसे पहला था नेचुरल लव एंड अफेक्शन, 1। दूसरा वॉलंटरी कंपनसेशन, 2। तीसरा कंप्लीटेड गिफ्ट। ये गिफ्ट हो गया ना, तो उसका कसूर थोड़ा ही है। वो पकड़ेंगे तो भाई को पकड़ेंगे। तो ये कंट्रैक्ट इसका मैंने था, कंप्लीटेड गिफ्ट है। जब आप गिफ्ट दे देते हो और पकड़ेंगे तो उसको तो ये कंप्लीटेड गिफ्ट था। हाँ, मतलब आप पहले वो चीजें जो है वो 7-8 चीजें मैंने बताई थी, जहां पे कंसिडरेशन ना भी हो तो कंटेक्ट वैलिड है, तो वो रिवाइज करो। शाबाश। सबसे पहले क्या था? नेचुरल लव एंड अफेक्शन, दूसरे नंबर पे वॉलंटरी कंपनसेशन, तीसरा कंप्लीटेड गिफ्ट, चौथा टाइम बार डेट, 5वां रिमिशन या रिसेशन। खुजैमा अपना खुजैमा बेटा, ये रिटर्न बेशक नहीं था। देखें एक चीज समझे, जब किसी को गिफ्ट देते हैं तो मोस्टली रिटर्न नहीं होता। आप आज क्या ऐसे करो ना, जुहेर के घर 2 पेटियां आम को भेजो गिफ्ट के तौर पे, कहाँ होगा रिटर्न? और दूसरे दिन पहुंच जाओ तो मुझे क्या पैसे दो इन कामों के। Is it okay? रिवाइज करो वो 7 पॉइंट जल्दी बताओ। शाबाश। मतिया बेटा, वो 7 पॉइंट जल्दी से बताओ। ये चीजें इसी तरह डेवलप करेंगे। पहला ये हो गया, ठीक है। दूसरा प्रोमिस टू कंपनसेट ना रखो ना, वारंटी कंपन देखो, प्रोमिस टू कंपन से चले, ठीक है चले। अच्छा, कोई बच्चा बता सकता है कि ये प्रोमिस टू कंपन सेट बेटा नेचुरल तो कितनी दफा रिवाइज करोगे? वो तो एक तो पहला है, वो तो हो गया। इसमें एक ट्विस्ट है, वो पता नहीं मैंने आपको बताया, 2 ट्विस्ट है मेरा ख्याल है, मैंने बताया लेकिन आप भूल जाओगे। ये बच्ची ने जो लिखा है प्रोमिस टू कंपन सेट, ये प्रोमिस टू कंपनसेट में जाओगे तो थोड़ा सा फिर और टिपिकल जाना पड़ेगा। आप ये समझे कि आपने कंपनसेट कर दिया। मैंने आपको कहा था कि मदिया आप बाहर निकली और एक बच्चा जो है वो चना चाट बेच रहा था, उसका चना चाट गिर गया, आपने उसको 200 रुपए दिए। और असूलन तो कंटेक्ट कब वायलेट होता है? कि जब आप उससे चने लेते, लेकिन आपने उसे चने नहीं लिए और उसको पैसे दे दिए। तो ये अब याद रखे कि ये कल आप उसको नहीं कह सकते
कि मुझे चने दो या पैसे वापस करो, दैट इज वॉलंटरी कंपनसेशन। जो प्रॉमिस टू कंपनसेट है वो खुजैमा वाली बात समझिएगा, पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, वो आप प्रॉमिस करते हैं वो कंसेशन के बगैर वो भी वैलिड में आएगा, ठीक है। आगे चलो तीसरे पे आओ, तीसरा कंप्लीटेड गिफ्ट था, फोर्थ पे आओ, टाइम बार डेट, ठीक है। ठीक हो गया रिमिशन, ठीक रिमिशन स्लैश वेवर दोनों को याद रखेगा, रिमिशन स्लैश वेवर। रिमिशन कम अमाउंट एक्सेप्ट करना रिमिशन है, सारी की सारी राइट छोड़ देना वेवर है। एजेंसी ठीक हो गया, शाबाश अलीना आप नहीं बता रहे, शाबाश जल्दी करें। दो चीजें रह गई, शाबाश दो चीजें जल्दी कंप्लीट करें। कंट्रैक्ट ऑफ एजेंसी तो हो गया ना, कंट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, कंट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, अच्छा गारंटी, ये गारंटी की स्पेलिंग, अच्छा अच्छा ठीक है, कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब ये भी याद रखिएगा कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ठीक है, कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी जब कोई श्योरिटी देता है उसकी कंसीडरेशन नहीं होती। मुझसे से फॉर एग्जांपल किसी ने टीवी खरीदा या फ्रिज खरीदी, आप ये समझें कि सुचित्रा ने मुझसे टीवी खरीदा और श्योरिटी जुहैर ने दी, जुहैर की कोई कंसीडरेशन नहीं है, ठीक है। कंसीडरेशन किसके लिए, टीवी किसके लिए है, सुचित्रा के लिए, मेरे लिए क्या है, पैसे हैं, लेकिन अगर वो डिफॉल्ट कर जाए तो जुहैर की बेशक कंसीडरेशन नहीं है लेकिन ये कंट्रैक्ट वैलिड है विदाउट कंसीडरेशन और जुहैर को पैसे देना पड़ेंगे। बाद में जो जैसे वो करता है या सुचित्रा को कवर करता है उससे लेता है, वो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल श्योरिटी का कंट्रैक्ट विदाउट कंसीडरेशन वैलिड होता है। शाबाश जी, एक रह गया, ये 8.7 बनते हैं, इनको आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करना शुरू करें और इसमें फिर दो जगह ट्विस्ट आएगा, वो फिर मैं आहिस्ता मैंने बताया हुआ है लेकिन मुझे पता है कि आपको वो याद नहीं होगा, फिर वो मैं ट्विस्ट कवर करवाऊंगा जी। लास्ट ये क्या था, शाबाश अलीना, लास्ट वन क्या था, शाबाश अल्लाह नजरे बद से बचाए, ये एक बच्चे ने भाई रिप्लाई किया है माशाल्लाह माशाल्लाह, दुआ करो अल्लाह दुआ को फीक दे, माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन वो आधा रिप्लाई किया है, ग्रेजुएटस डेरमेट, ग्रेजुएटस डेरमेट यानी अगर अलीना के पास बैंगल्स हैं और उन्होंने रखवाई है मदिया के पास या मदिया मान के ले गई है, जब भी ग्रेजुएटस बेलमेंट या मुफ्ता बेलमेंट आप किसी को दोस्ती में देते हैं, ये गिफ्ट तो है कि दे दिया वापस नहीं लेंगे, लेकिन बेलमेंट में ये होता है ग्रेजुएटस बेलमेंट, आपने उसको यूज करने की परमिशन दी है, ठीक है। तो अब जो वो ये नहीं कि उसके बैंगल जो मदिया के पास है उसने अलीना से पहनने के लिए है एक हफ्ते के लिए, तो ये नहीं कि अलीना के मामा जो पुलिस ले आए, ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता हम डेवलप करेंगे इंशाल्लाह।
को दो मिनट ले पढ़े पूछे शाबाश। बी क्विक बेटा बी क्विक। क्या हो गया बेटा जल्दी करें। क्लियर है वो कौन सी मिस्टेक है जो वाइड नहीं होती बैलेंस रहती है। वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो वाइड नहीं होती बैलेंस रहती। जुहेर बेटा कभी कभी आपने रिप्लाई कर दी। जल्दी करें बेटा शाबाश। जुहेर आप भी कभी कभी रिप्लाई क्या करें शाबाश। मेरा क्वेश्चन सुने, मैं मिस्टेक ऑफ लॉ की बात नहीं कर रहा, मैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स की बात कर रहा। मैं क्लियर कर दूं, मिस्टेक ऑफ लॉ में फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स में वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो वाइड या वाइड पेपर में नहीं जाएंगे, वो पहले जाएगी, और इसमें किन सूत्रों में आपकी जान छूट सकती। वन साइडेड क्या, वन साइडेड को बोलते हैं यूनिलैटरल मिस्टेक। वन साइडेड को बोलते हैं यूनिलैटरल मिस्टेक। यूनिलैटरल मिस्टेक, यस यूनिलैटरल मिस्टेक। अलीना के पास या फर्ज कर रहे हैं कि किसी के पास कोई एक चीज है, आप खुद से इसकी कीमत लगा देते हो, अगली पार्टी नहीं लगाती, खुद से आप कीमत लगा देते हो, ठीक है, तो वो आपको एक्सक्यूज नहीं होगी। एक दूसरा दूसरा पिक करो क्या बाश।
मिस्टेक इन द नेचर ऑफ कंटेक्ट। मिस्टेक इन द नेचर ऑफ कंटेक्ट का मतलब ये होता है कि उसमें वो चीज लिखी हुई थी, आपने गौर नहीं किया। जुबेर ने बैंक से लोन लिया, उसमें लिखा हुआ था कि जय हर महीने की यकम को पे करनी है, जितना लेट होंगे इतना आपको फाइन होगा। जुबेर ने लोन की खुशी में वो पढ़ा ही नहीं, जब लोन दे चुका तो कहता जी सब क्लियर होगा। वो कहते नहीं अभी 50,000 बाकी है। ये कहते किस चीज़ का? वो कहते जी आप 10 को पे करते रहे। तो अब जो है कहता मुझे तो पता ही नहीं था, अब इसकी एक्सक्यूज नहीं होगी, इसको वो सारा पढ़ना चाहिए था। लेकिन तीन कंडीशन में इसकी जान छूट सकती है कि अगर ये इसकी बिनाई वीक है ना, सॉरी इलिटरेट है, अंगूठा छाप है और बैंक वाले ने इसको नहीं बताया। एक दूसरा इसको जो है नजर सही नहीं आता, बिनाई बहुत वीक है। दो तीसरा जो लैंग्वेज थी वो ऐसी थी कि इसको वो लैंग्वेज नहीं आती थी। तीन सूटों में एक्सक्यूज मिलेगा। पूछे शाबाश पूछे। ठीक है चलो, नेक्स्ट मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट क्लास में। ओके बेटा थैंक्स। अल्लाह हाफिज़ बेटा, अल्लाह हाफिज़।